بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایماندار پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وآقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعہ وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لدي صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وقانوا يتقون صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاه والتسليم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار شہنشاہ ہفتے اقلیم حضور تاج الملت و الدین حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ خاص ہے انتہائی والہانہ انداز میں منقبت کے اشعار میں عرض کرتے ہیں کہ متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا قصر کہتے ہیں محل کو قصر جنت یعنی جنت کا محل متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا مست سرور کو دیا مولا نے روزہ تیرا متقی و پارسا کو قصر جنت دے دیا مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا ہم اور آپ کل اور آج جس کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں جسے دنیا شہنشاہ ہفتہ اقلیم تاج الملت و الدین حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے جو ہمارے اس صدی میں اس زمانے میں
विलायत के बहुत आला मकाम पर फायज थे। मकाम ताजुल औलिया क्या था, विलायत के वो किस मयार पर थे, ये बताना हम जैसे हरकस व नाकस के बस की बात नहीं है। यूं भी जो विलायत होती है ये विलायत बहुत आला मकाम होता है, चुनांचे इसके ताल्लुक से अगर मैं गुफ्तगू करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। सिर्फ चंद बातें मैं विलायत की हदीस की रोशनी में बयान करूंगा ताकि आप जानें कि ये विलायत और विलायत का ये मकाम ये सिर्फ बरेलियों की ईजाद नहीं है, बरेलियों का कहना नहीं है, बल्कि ये हदीसों में मौजूद है और हदीस की मुस्तनद किताबों में। एक ज़माना था कि गरजदार गरजती हुई तकरीरें आपने मुझसे सुनी, मगर अब थोड़ा अंदाज में ठहराव, सुकून और एक एक बात को हवाले के साथ पेश करना ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि इस ज़माने में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, हदीस और कुरान से इनका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। तो मैं एहसास दिला देता हूँ कि कुरान और हदीस के जितने लिखने वाले हैं सब अहले सुन्नत वल जमात ही है। चुनांचे हमारा हर अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, कोई अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है। ये अलग बात है कि जो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी की रसाई जिन किताबों तक थी वो रसाई आपकी ना हो सकी उन किताबों तक, इसमें आपका कसूर है। आला हजरत ने ज़खायर हदीस से वो मोतियों को चुना इसलिए वो आला हजरत हो गए, आपकी हजरत ना चुन सके इसलिए अदना हजरत रह गए। तो यही फ़र्क है। तो मैं उनका एक ग़ुलाम आपको यहाँ चंद हदीस की रोशनी में चंद बातें मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि विलायत ज़िल्ले नबुव्वत होता है। ज़िल कहते हैं साए को। हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुतुल गैब जो सरकार गौसे आज़म की तसनीफ है उसकी शरह जो फारसी में उन्होंने की उसकी शरह में फरमाते हैं कि विलायत ज़िल्ले नबुव्वत होता है, नबुव्वत का साया होता है। जैसे कि एक जिस्म होता है और जिस्म का फिर साया, साया तभी होता है कि जब वो चीज़ वजूद में हो, मौजूद हो। तो नबुव्वत जो है ये असल है और विलायत जो है उस नबुव्वत का साया है। तो अब नबी से जो कुछ सादिर होता है वो मोजेज़ा होता है और वही चीज़ जब वली से सादिर हो जाती है तो उसे हम करामत का नाम देते हैं। चुनांचे शरह फुतुल गैब के सफ़ा नंबर 35 पर शाह अब्दुल हक ने बात लिखी जिसको मैंने उर्दू जबान में आपके सामने आसानी से बयान कर दिया। आइए हदीस की हम किताब देखें कि हदीस की किताबों में जो बयान किया गया है कि विलायत क्या है और वली की पहचान क्या है, कैसे आप पहचाने कि अल्लाह का ये वली है। तो कल तो एक पहचान बताई थी कि जिब्रील आम करते हैं उसका चर्चा करते हैं, और दूसरी पहचान जो हमारे लिए बयान की गई नसाई एक ही अलग होती है सुनन नसाई, और ये इमाम नसाई की एक दूसरी किताब है सुनन कुबरा, उसका सफ़ा नंबर 362 जिल्द 2 है। सूरह यूनुस की तफसीर में इमाम नसाई ने एक हदीस पाक नकल की, चुनांचे हदीस के अल्फाज यूँ हैं कि अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास यानि हज़रत अब्बास जो हुज़ूर के चचा है उनके साहबजादे नबी के चचाजाद भाई हैं, ये रिवायत करते काला कहते हैं सुईला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलियाल्लाह, अल्लाह के नबी से पूछने वालों ने पूछा कि अल्लाह के नबी अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के वली किसे कहा जाता है, कौन है अल्लाह के वली, अन औलियाल्लाह कौन है अल्लाह के वली। फ़क़ाला अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रू ज़िक्रल्लाह, अल्लाह का वली वो है कि जिसे देखकर तुझे खुदा याद आ जाए, जिसे देखकर तुझे अल्लाह का जिक्र याद आ जाए, अल्लाह की याद तेरे दिल में ताज़ा हो जाए, ये समझ ले कि वो अल्लाह का वली है। अब देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उलमा इकराम हमारे जो बयान करते हैं और हुक्म देते हैं हमें कि हम मज़ारात पर जाएँ, अब बताइए आप जब मज़ारात औलिया पर जाते हैं तो क्या करते हैं, जिक्र करते हैं ना, कोई सूरह यासीन लेके बैठ जाता है, कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, कोई चार कुल पढ़ता है, तो जो कुछ होता है ये जिक्रुल्ला हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जिक्रुल्ला मज़ार औलिया पर होना ही इस बात की दलील है कि वह अल्लाह का वली है, कि वहां जैसे ही आदमी पहुंचता है सारे दुनिया और माफिया को फरामोश कर देता है और वहां अल्लाह का जिक्र करने लगता है, उसे अल्लाह याद आने लगता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया वो है, उनकी निशानी उनकी पहचान ये है कि जब तुम उनको देखो तो अल्लाह का तुम्हें जिक्र याद आ जाए। यह हदीस हजरत इब्ने मुबारक ने किताब ज़ुहद में भी नकल की है और दूसरे भी आइम्मा ने इसको नकल की है। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफर्रद जो उनकी किताब है उसमें भी हदीस को नकल किया है।
आइए अब मैं आपको हदीस की रोशनी में ये बताऊं कि विलायत की किस्में कितनी हैं और विलायत और वली कितने किस्म के होते हैं। चुनांचे इसके लिए एक दूसरी किताब है यहाँ पर, ये इमाम तबरानी ने और इमाम अबू नुईम ने हिलियतुल औलिया में, और इमाम तबरानी ने अपनी माजा में कबीर झील 10 सफ़ा नंबर 181 पर एक हदीस पाक नकल की है, और वह हदीस पाक जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ये रसूलुल्लाह के फकीह सहाबियों में इनका शुमार होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का अगर कोई मुहद्दिस है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है, और हर नबी की उम्मत में एक फकीह होता है, अगर मेरी उम्मत का कोई फकीह है तो वह अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बड़ी फजीलत है, बड़े जलील व कद्र सहाबी है। ये रिवायत करते हैं, चुनांचे इमाम तबरानी माजा में कबीर के अंदर लिखते हैं, रिवायत करते हैं, हदीस नंबर इसका 1039 है। कहते हैं अन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने मसूद ने रिवायत किया, काला वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यज़ालु अरबाउन रजुलन मिन उम्मती कुलूबुहुम अला क़ल्बिल इब्राहीम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 40 मेरी उम्मत में वो लोग हैं कि जिनके दिल हजरत इब्राहिम के कल्ब के नीचे हैं। यदफुल्लाहु बिहिम अन अहलिल अर्द, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जानते हो इनकी शान क्या है कि अल्लाह ताला इनके तुफैल तुमसे अजाबों को दूर कर देता है। किनके तुफैल? इन 40 उम्मत के औलिया के। युकाल लहुम अल अबदालो, और जान लो कि उन्हें जो कहा जाता है वो अबदाल है, उन्हें अबदाल कहा जाता है। ये 40 अबदाल है, और ये हर जमाने में होते। अभी मैं दूसरी हदीस के ताल्लुक से सनद के साथ पेश करूंगा कि अबदाल वो होते हैं हर जमाने में 40 औलिया इकराम के, जिनके सदके में उम्मत से अजाब को टाल दिया जाता है। और ये हदीस किस किताब में है? तबरानी में, माजम कबीर, इमाम तबरानी ने इसको नकल किया, और यही हदीस इमाम अबू नुईम ने हिलियतुल औलिया में भी इसको नकल किया है। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, ये मिशकात शरीफ है, हदीस की बड़ी जलील व कद्र किताब, जिल्द 2 में इसकी मिशकात की, और मिशकात का सफ़ा नंबर 288, और इसकी हदीस नंबर है 6015 हदीस है, और किताबुल फितन के बाब, किताबुल फितन के अंदर हजरत साहिब मिशकात ने इस हदीस को लाया, और इसका बाब है जिक्रुल यमानी व शामी व जिक्र अवैसल करनी, शाम का जिक्र और हजरत अवैस करनी का जिक्र। हजरत अवैस की फजीलत पे बहुत सारी हदीसें उन्होंने बयान की। मैं जो हदीस बयान कर रहा हूँ वो ये है 6015 हदीस, जिसके रावी हजरत शुरी बिन उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है जलील व कद्र। चुनांचे बयान करते हैं अन शुरी इब्ने उबैद, शुरी इब्ने उबैद ने कहा काला, कहते हैं जुकीरा अहलु शाम इंदा अलीन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं हजरत अली के सामने मुल्क शाम का जिक्र किया गया, और मुल्क शाम में उस वक्त अमीर माविया की हुकूमत थी, हजरत अली से उनके इख्तलाफात चल रहे थे। चुनांचे किसी जिक्र करने वाले ने, हजरत शुरी कहते हैं कि मुल्क शाम का जिक्र किया अली के मौजूदगी में, अली के सामने। वकीला अल अनहुम या अमर अल मोमिनीन, कहने वाले ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, ए मौला कायनात, आप मुल्क शाम पर लानत भेजिए, उनके बारे में बद्दुआ कीजिए शाम के लोगों के लिए। काला हजरत अली ने फरमाया ला, मैं वहां के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। क्यों? इन्नी समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मैंने मुल्क शाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि नबी ने फरमाया यकूलुल अबदालो यकून बिश्शामी, कि वहां पर अबदाल रहा करते हैं। मुल्क शाम में अल्लाह के वलियों की कैटेगरी जो अबदाल है, नजबा है, औताद है, इसके भी बारे में बहुत सारी हदीसें आई है, मैं किसी और मौके पर पूरी तफसीलात बयान करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वहुम अरबाउन रजुलन, और वो मुल्क शाम में है और उनकी तादाद 40 है। कुल्लमा माता रजुलन अब्दालुल्लाह मकानहू, उनमें से किसी एक का भी अगर इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरा वली बना देता है, दूसरे अब्दाल को मुंतखब फरमा देता है। रजलुन यस्का बिहिमिल गैसो, और जानते हो उनका मकाम क्या है? उन्हीं के सदके में तुम पर बारिश बरसाई जाती है। वयंतसुरु बिहिम अलल आदाए, और उन्हीं के वजह से तुम दुश्मनों पे फतह पाते हो। वयुसरफु अन अहलिश्शाम बिहुमुल अज़ाब,
और अहले शाम के अब्दालों के सबब से तुमसे अजाब को टाल दिया जाता है। ये मिशकात की हदीस है और साहिब मिशकात ने यह हदीस जो नकल की है मुसनद अहमद से, इन्होंने रिवायत नकल की और मुसनद अहमद है उसमें ये हदीस जिल्द एक सफ़ा नंबर 122 पर ये साहिब मिशकात ने जो हदीस नकल की ये मुसनद अहमद में आपको मिल जाएंगी। इसी तरह ये हदीस तबरानी ने माजा में कबीर जिल्द एक सफ़ा 63 पर भी हदीस को नकल किया है। चुनांचे ये हदीस की किताब बताती है कि 40 अब्दाल होते हैं और उन अब्दालों के सदके में रिस्क दिया जाता है, बारिश बरसाई जाती है और उन्हीं के सदके में अजाब टाल दिया जाता है। इसी तरह आइए अब्दालों के ताल्लुक से और चंद हदीसें मैं अर्ज कर दूं। हुलियतुल औलिया की जिल्द 3 सफ़ा 225 और इसकी हदीस नंबर है 308। चुनांचे ये हदीस पाक रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, जो हजरत उमर के साहबजादे हैं। हजरत इमाम अबू नुईम इनसे रिवायत नकल करते हैं कि अन इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, काला कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहि खलकन खलकहुम लिहवाइजिन नास। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगो, अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं जिनको अल्लाह ने खास काम के लिए पैदा, खलकन खलकहुम, अल्लाह ने किसी खास मकसद के तहत पैदा किया और वो किस मकसद से पैदा किया गया उनको, लिल हवाइजिन नास, लोगों की जरूरतें वो ताकि पूरी करें। लोग उनके पास अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। तफराउन नास अलैहिम फिल हवाइज, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब लोग उनके पास अपनी हवाइज यानी अपनी ज़रूरतें, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियां ले जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके सबब से, उनकी दुआओं से परेशानियों को दूर कर देता है। औलाएकल आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाही, और वो लोग वो हैं कि जिनके सबब से तुमसे अज़ाब दूर कर दिया जाता है। तो ये औलिया इकराम की जमात क्या है? ये वो जमात है कि जिनके सबब से, जिनके वजूद से अज़ाब दूर किए जाते हैं, वो मुसीबतों को टालते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इमाम अबू नुईम ये अपने वक्त के जलील कदर मुहद्दिस है, हिलियतुल औलिया की हदीस की मशहूर किताब, इसमें हजरत इमाम अबू नुईम कह रहे हैं, हदीस नबी रसूल नकल कर रहे हैं कि औलिया की वो जमात वो है कि जो मुसीबतों को टालती है, मुसीबतें दूर करती है और लोग उनके पास हाजतें बयान करने जाते हैं। और एक जमात कही कि वलियों के पास हाजत ले जाना यही शिर्क है। तो आप बताइए, रसूलुल्लाह की हदीस को मानेंगे, इनकी बात को माने हम? ये हदीस इमाम तबरानी ने भी माजा में कबीर के अंदर इसको नकल किया है। अब आइए, इन औलिया से क़ुर्ब और इनके करीब होने से फ़ायदा क्या मिलता है? चुनांचे ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में भी आई है, जो है ये किसकी किताब है? हजरत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई यमनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनकी पैदाइश 668 हिजरी, विसाल 768 हिजरी में हुआ। इसका उर्दू में भी तर्जुमा आया है, ये मेरे पास उर्दू नुस्खा है, अरबी नुस्खा तो नहीं, अलबत्ता करामत औलिया के नाम से। और ये बता दूं कि ये किताब देवबंद से छपी है, हमारे यहाँ से नहीं छपी है। कहाँ से छपी है? देवबंद। इसका अरबी नुस्खा तलाश के बावजूद भी मुझे अब तक नहीं मिल पाया है, अल्लाह करे कि वो भी मिल जाए। लेकिन बहरहाल हमारे लिए दलील के तौर पर इतना ही काफ़ी है कि देवबंद से छपी है। और इसके तर्जुमे करने वाले भी मौलाना इमदादुल्लाह साहब, उस्ताद जामे अशरफिया लाहौर, ये मौलाना थानवी से सिलसिले से हैं और जामे अशरफिया जो देवबंद का लाहौर में बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ के पढ़ाने वाले, इन्होंने तर्जुमा किया। इमाम याफ़ी की किताब है जिसका वो तर्जुमा करते हैं। इमाम याफ़ी इस किताब के सफ़ा 39 पर बयान करते हैं कि हज़रत हसन बसरी से मरवी है, हज़रत इमाम हसन बसरी जो हज़रत अली के शागिर्द हैं, हज़रत अली से इल्म हासिल किया इन्होंने, कहते हैं कि हज़रत हसन बसरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुकरा से जान पहचान ज़्यादा रखा करो। फ़ुकरा औलिया की जमात, फ़कीर जिनको हम कहते हैं, फ़कीर है ये अल्लाह वाले हैं, यानी अल्लाह वालों से, फ़कीरों से जान पहचान ज़्यादा रखा करो। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इनकी जान पहचान से क्या फ़ायदा है? इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा उनसे कहा जाएगा, जिसने तुम्हें एक रोटी का भी टुकड़ा खिलाया है या एक घूंट पानी भी पिलाया, उसे तलाश करो और उसको जन्नत में लेके चले जाओ। अंदाज लगा रहे हैं आप, ये औलिया है, इनको एक रोटी का टुकड़ा आपने खिला दिया, इन फुकरा, इन मजदूबीन को, ये मजदूबों की जमात है, ये फुकरा जिनको कहा गया, एक रोटी का भी आपने टुकड़ा खिला दिया नेकी और अजर की नीयत से, तो इनका मकाम क्या होगा? कल आपने एक हदीस सुनी थी,
मिशकात के हवाले से और मुसनद अहमद के कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये वो जमात है, ये कसम खा ले किसी बात पे तो अल्लाह इनकी कसम को पूरा करे, ये वो मकाम रखते हैं औलिया इकराम। तो इनको अगर आपने एक रोटी का टुकड़ा मोहब्बत में खिला दिया, इनको हाजत नहीं है आपकी रोटी की टुकड़े की, आपको हाजत है कि इन पर एहसान करके इनके जन्नत हासिल कर ले, इसकी जरूरत आपको है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि इनकी पहचान, इनसे सोहबत, इनकी कुर्ब में रहना, ये क्या सबब होगा कि इनकी खिदमत करोगे। एक घूट भी अगर तुमने पानी पिला दिया तो कयामत में इनसे कहा जाएगा जिसने तुझे एक घूट भी पानी पिलाया जा उसका हाथ पकड़ और उसको जन्नत में दाखिल कर दे। अब आइए एक हदीस में बहुत प्यारी सुना देता हूं, ये भी इमाम अबू नोइम की हदीस में है और इसको हजरत इमाम तैलमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी हदीस की किताब दैलमी में मसनदुल फिरदौस जिल्द एक सफ़ा 81 पे इसको रवायत किया। ये अबू नईम की तखरीज है इसलिए मैं तखरीज से भी बयान कर दे रहा हूँ। फिलहाल ये अल्फाज इमाम दैलमी के है, जिल्द एक सफ़ा 81 पर हदीस पाक नकल करते हैं, हदीस नंबर 2051 है, 51। उसमें कहते हैं अन अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अक्सरो मिनल मारिफी मिनल औलिया, अल्लाह के नबी कहते हैं कि लोगो औलिया अल्लाह से अपनी जान पहचान रखो, उनसे करीब रहा करो, अल्लाह के वलियों से कुर्ब में रहा करो, उनके पास जाया करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। अक्सरो मिनल मारिफी मिनल औलिया, अल्लाह के वलियों से करीब हो जाया करो। क्यों? फाइन्ना लिकुल्ले वलीन शफात इंदल योमल कयामा, जिस वली से तुम कुर्ब हासिल करोगे वो अल्लाह का वली बरोजे कयामत तुम्हारी शफात करेगा, तुम्हें बख्शवा देगा। अब यकीनन हम सरकार ताजुल औलिया से करीब है, और जब हम सरकार ताजुल औलिया से करीब है हम उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला इस उम्मीद को पूरी करेगा कि सरकार ताजुल औलिया हमारी शफात भी फरमाएंगे। कल एक साहब ने, यह आखिरी एक हदीस पढ़ देता हूँ और एक दो चिट्ठी अभी एक साहब ने और लाई है, वक्त मिला तो मैं बयान करूँगा, दो चार बातें इन्होंने लिखी है, ये भी बयान कीजिए वो भी बयान कीजिए, दो दिन में अब क्या क्या बयान किया जाए। कोशिश करूँगा कि ख्वाहिशात जो जो लोगों ने बयान की है उसको मैं तकमील तक पहुँचा सकूँ। कल एक साहब ने मुझे एतराज़ किया फ़ोन पर, आज दोपहर के करीब आया कि कल हम आपकी मजलिस में मौजूद थे और कल आपने एक जो वाक़या सुनाया बड़ा अजीब व गरीब लगा, और यकीन मानिए कि उसके जवाब में एक बात मेरे जहन में थी लेकिन हवाला ढूंढने के लिए मुझे बहुत वक्त लग गया, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है किस किताब में होती है तैयारी नहीं होती है जहन में, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब मैं ढूंढने लगा तो इतनी सारी तखारीज मिली, इतनी कि मिल गई कि वो मुस्तनद किताबों से बात मिल गई, और इससे आप मकाम वली को भी समझ ले क्योंकि अभी उनवान वही है। उन्होंने कहा कि कल एक वाक्य जो आपने बयान किया कि एक औरत आई जिस पे जिन सवार था तो ताजिल औलिया ने उसके मुंह पे थूक दिया तो उसका जिन चला गया, तो जिन चला गया वो एक अलग बात है, मुंह पे थूक दिया यार ये अल्लाह के वलियों का काम कैसा है कि थूक देते हैं मुंह पे, तो अगर वो चाहते तो जैसे पहले वाले को चाय पिला के जिन भगा दिया इसका भी चाय पिला के भगा देते, थूकने का क्या जरूरत थी, तो थूकना ये तो मतलब किसी के चेहरे पे थूक देना ये तो तौहीन है। तो बात उनकी मैंने बड़े गौर से सुना, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो है लेकिन ताजुल औलिया ने ऐसा किया तो कुछ हिकमत होंगी। बहरहाल मैंने कहा इसका जवाब मैं जलसे में दूंगा ताकि ये बात रिकॉर्ड भी हो जाए और इसमें फजीलत भी आ जाए। अब वो बात थी तो पढ़ी थी कि बुखारी में मैंने एक हदीस पढ़ी थी किसी ज़माने में, अब उसको बहुत ढूंढा तो बड़ी मुश्किल के बाद वो मिल गई अल्लाह के फजल से, ये है बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 2 में। और जैसे कि मैं बार बार ऐलान करता हूँ कि हमारा कोई अकीदा कोई नज़रिया कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, बुखारी की जिल्द 2 है। अब का किताबुत तिब, तिब का बयान, अल्लाह के नबी तबीब आज़म भी थे, तबीब हकीम को कहते हैं, दुनिया में अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई डॉक्टर आज तक नहीं हुआ है ना। तो हर मुहद्दिस ने एक बाब कायम किया और उस बाब का नाम रखा किताबुत तिब, वो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने इलाज तजवीज़ फरमाए हैं, लोगों की बीमारियों के लिए शिफा का जिक्र फरमाया है। किताब तिब की यह हदीस नंबर 696 हदीस है और इसका बाब है रुकियतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी का किसी बीमारी पर दम करना, फूक मार के उसका इलाज करना, दम करके फूकना, यह भी नबी पाक की सुन्नत है कि जो हमारे उलमा बुजुर्ग किसी पे दम कर देते हैं फूक के, फूक देते हैं पढ़ के,
ये नबी की सुन्नत। इसमें इमाम बुखारी ने बहुत सारी हदीसें लाई है, लेकिन मैं इस बाब की पहली दूसरी तीसरी हदीस है ये, और बुखारी की हदीस के अतबार से 6696 हदीस है, और ये हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला से मरवी है। उम्रुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रिवायत करती है। इमाम बुखारी पूरी सनद बयान करके अन सुफियान हद्दसनी फला 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 पूरी हदीस की रिवायत बयान करके यहाँ तक कहते हैं कि अन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उम्रुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया और मैंने नबी को फरमाते हुए सुना काना यकूल लिल मरीज कि अल्लाह के नबी जब किसी मरीज को देखने जाते तो ये जुमले फरमाते, किसी मरीज की आयादत के लिए जाते तो अल्लाह के नबी ये जुमले फरमाते। अब नबी क्या जुमले फरमाते सुनिए, हजरत आयशा कहती है बिस्मिल्लाह तौरबत अर्दीना बेरकी का, अल्लाह के नबी कहते हैं कि बेशक हमारी मिट्टी में, हमारी जमीन की मिट्टी में यानी मदीना मुनव्वरा की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। काय में शिफा रखी है? मदीने की मिट्टी में। और उसके बाद कहते बादेना युशफा सकीमुना बे इज्न रब्बीना, मेरी उम्मत के वो बाद लोग हैं कि जिनके थूक में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। अब समझ में आया, इस हदीस पे ताजुल औलिया अमल कर रहे थे, उस पे जिन था वो तो मरीज थी ना, थूक दिया तो अल्लाह के नबी फरमा रही है, बुखारी शरीफ की हदीस बता रही है बादेना मेरी उम्मत के बाद औलिया वो है युशफा सकीमुना भी इज़्नी रब्बीना कि वो अल्लाह के हुक्म से किसी पर अगर थूक भी दे लुआब भी उसको दे दे तो उसके लुआब में भी शिफा हो जाया करती है। ये है औलिया की जमात। मुझे नहीं समझ में आया कि बुखारी में सिर्फ लोगों को रफादैन ही क्यों मिलता है, ये हदीसें क्यों नहीं मिलती। अब इस हदीस को और किन किन लोगों ने लिखा, मैंने जैसे कि अर्ज किया कि किताबुत्तिब जब मुझे मिला बुखारी का तो मैंने फिर दूसरी किताबों की किताबुत्तिब तलाश करने शुरू किए। तस्वीर मत खींचो बेटा, तस्वीर नहीं खींचना। चुनांचे उसमें मैंने देखा मुस्लिम शरीफ किताबुस्सलाम में यह हदीस मौजूद है, अबू दाऊद ने भी, इमाम अबू दाऊद ने भी किताबुत्तिब में इस हदीस को नकल किया, इब्ने माजा ने भी किताबुत्तिब में इस हदीस को नकल किया, और मुसनद अहमद ने भी किताबुत्तिब जिल 6 सफा नंबर 93 पर इस हदीस को नकल किया। इतने सारे मुहद्दिसीन ये रिवायत कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी की उम्मत में बाज़ औलिया वो है कि जो किसी पर थूक भी दें तो उनके थूक में भी शिफा है। तो अब यहां से आप मकाम ताजिल औलिया और औलिया का मकाम का अंदाजा लगाएं कि जब अल्लाह का कोई वली थूक देता है तो उसके थूक में इतनी शिफा है तो उसके पूरे कुल जिस्म और पूरे बदन में कितनी शिफा होंगी। वो सराफा शिफा हुआ करता है, उसका वजूद ही लोगों के लिए दुख और दर्द को दूर करने वाला माँ और मलजा हो जाया करता है। औलिया की एक शान ये होती है कि वो लोगों की तकदीरों में भी तसर्रुफ करते हैं। अल्लाह ने ये इख्तियार दिया उन्हें कि परवरदिगार आलम की अता से अल्लाह के औलिया इकराम लोगों की तकदीरें बलटते हुए नजर आते हैं। चुनांचे हजरत मौलाना यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजिल औलिया में नकल फरमाते हैं कि एक खातून का बच्चा बड़ा बीमार था, वो अपने बच्चे को लेकर सरकार ताजिल औलिया की खिदमत में हाजिर होती है। आने के बाद कहती है सरकार ये बच्चा बीमार है और मर रहा है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये बच नहीं सकता, आप इसको बचा लीजिए हुजूर, इसकी हाजत मेरी हाजत पूरी कीजिए, ये मेरा एक लौता बच्चा है। सरकार ताजिल औलिया देखते हैं और देखने के बाद इरशाद फरमाया माई ये मरता है तो मर जाने दे, ये जाता है तो जाने दे। वो कहती हुजूर मेरा एक लौता बेटा है, यही मेरा सहारा है, अगर यही चला गया तो फिर क्या होगा। आलम यह है कि बच्चा आलम सकरात में है, आंखें नहीं खोल पा रहा है, बस अब दम गया कि तब दम गया। उस औरत ने फिर इल्तिजाएं की, ताजिल औलिया बार बार यही फरमाते माई ले जाए इसे, ये जाता है तो जाने दे। वो कहती नहीं हुजूर, आपको इसे सेहत देनी ही पड़ेगी। हजरत फरमाते हैं कि माई ले जाए इसे, अल्लाह ताला ने जितनी इसके लिए उम्र लिखी थी उतना इसका अरसा हो चुका है। अभी मैं इसकी एक दलील भी दूंगा और बेहतरीन दलील दूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम वलियों को खुदा बना देते हो, हम खुदा नहीं बनाते, हम खुदा का बंदा समझते हैं, मगर हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह अपने महबूबों की बात पूरी फरमा देता है, उनकी बात को ठुकराता नहीं है। ताजुल औलिया ने फिर यही फरमाया, उसने अब यह किया कि अपने बच्चे को लिया और आपके कदमों में डाल दिया, कहा हुजूर अगर इसे मरना ही है तो फिर आप ही के कदमों में मरेगा। अब कदमों में डाल दिया, अब सरकार ताजुल औलिया जो अब तक उसको टाल रहे थे अब रहमत के जज्बात
आप में जो है जाहिर होते हैं। और उसके बाद एक जुमला फरमाया, लाओ जी लाल किताब। अब अल्लाह जाने ये कौन सी किताब थी, लाओ जी लाल किताब। इस तरह हाथ बढ़ाया जैसे किसी चीज को पकड़ना चाहते हो, मगर देखने वाले देख रहे हैं कि कोई चीज हाथ में तो नहीं आ रही है। कोई चीज को पकड़ा और फरमाया, जाओ जी इसकी उम्र और 20 साल हमने बढ़ा दी। चुनांचे हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि नतीजा यह हुआ कि वो फौरन ऐसे सेहतमंद हो गया जैसे बीमारी नहीं था, और फिर 20 साल जिंदा रहकर उसका इंतकाल हुआ। तो ये तकदीरों को पलटना, ये औलिया इकराम को अल्लाह ने ये तसरुफात, ये कुवतें दी है कि वो तकदीरों पर भी तसरुफ करते हैं। इसी तरह सरकार ताजिल औलिया के पास एक शख्स आए, गैर मुस्लिम थे, और वो रेलवे का एक टीटी जो है वो टिकट चेकर था, टिकट चेक करने वाला। चुनांचे उनको औलाद नहीं थी, हजरत से अर्ज किया, चुनांचे हजरत की दुआओं से उनको एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद वो बड़े खुश हुए। नागपुर से बाहर के किसी इलाके के रहने वाले थे, कुछ दिन नहीं गुजरे थे कि बच्चा बड़ा शदीद बीमार हुआ। जो जो इलाज करते जाते हैं वो उसकी तबीयत और खराब होती है। एक वक्त ये आया कि उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अब जब वो बच्चे का इंतकाल हो गया तो आड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। अब हिंदू थे वो लोग, गैर मुस्लिम, तो उन्होंने कहा चलो अर्थी तैयार करो, और अर्थी तैयार करके इसको जला देते हैं। तो दोनों माँ बाप जो गैर मुस्लिम थे, मगर देखिए औलिया पर इनका भी इतकाद कितना मजबूत होता है, उन्होंने कहा नहीं हम इसको नहीं जलाएंगे, इसलिए कि ये बच्चा हमें ताजुल औलिया से अता हुआ था। हम अब तक इस बात पर हैरत ज़दा है कि ये बच्चा मर कैसे सकता है। हम उस वक्त तक इस बच्चे को नहीं ले जाएंगे, ना जलाएंगे ना दफनाएंगे, जब तक खुद ताजुल औलिया आके इस बच्चे को ना जला दे या दफन ना कर दे। ये उनकी जिद है। चुनांचे हजरत सरकार ताजुल औलिया ताजाबाद शरीफ में तशरीफ फरमा है। अचानक आप उठते हैं, और उठने के बाद अपने कोचवान हीरा कोचवान, जिसका नाम था हीरा, जो रघुजी राजा ने आपके पास रख दिया था, उससे फरमाते हैं कि जाओ बग्गी ले आओ। हीरा कोचवान बग्गी लेके हाजिर हुआ। हजरत बैठे और फरमाया फला सिम चलो। अब बग्गी जा रही है, लोग बग्गी के पीछे दौड़ रहे हैं कि हजरत जाते कहाँ है आखिर देखा जाए। और आलम यही हुआ करता था कि सरकार ताजुल औलिया की जब सवारी चलती तो लोग पीछे दौड़ा करते थे। चुनांचे जब बग्गी दौड़ने लगी, चलने लगी, लोग दौड़ते दौड़ते हजरत जो है शहर की हदों से बाहर निकल कर उसी मकाम पर पहुंचे जहां पर वो बच्चा जो है मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। भीड़ इकट्ठी थी, लोग उन माँ बाप को समझा रहे थे दोनों को कि नहीं इसे दफनाना ही पड़ेगा वरना ये सड़ जाएगा। चुनांचे सरकार ताजिल औलिया जैसे ही पहुंचते हैं, एक शोर हुआ कि लोगों दूर हट जाओ, हुजूम हता हटा दो, इसलिए कि वक्त के विलायत का ताजदार आ रहा है, शहंशाह हफ्ते अकलीन तशरीफ ला रहे हैं। मजमा छटना शुरू हुआ। आप सीधा गए, उस बच्चे को गोद में लिया, छोटा सा बच्चा, उठाने के बाद सीने से लगाकर ऐसे थपकी देते जैसे किसी बच्चे को कोई सुलाता है। फिर बाहर लाए, मजमा ये सन देख रहा है इस आलम को कि आखिर कर रहे क्या है हजरत। बहुत देर थपथपाते रहे, फरमाया लो जी ये तो सिर्फ बेचैन था। अजीब बात है कि लोग कितने जाहिल और गवार हो गए कि जिंदा बच्चे को भी दफन कर देते हैं, जिंदा बच्चों को भी जलाते हैं। लो जी माई इसको दूध पिलाओ जी, दाल रोटी खिलाते अच्छा रहता। जैसे ही मां ने जब हाथ बढ़ाया, अब मंजर बदला हुआ था। वो बच्चा जिसे मरे हुए घंटों हो चुके थे, अब वो बच्चा आंखें खोलकर जिंदा हो चुका था, बेदार हो चुका था। देखने वाली निगाहों ने देखा, बेशुमार लोग ताजुल औलिया के नारे लगाने लगते हैं, कदमों में गिर जाते हैं। ये क्या मामला था? ये वो था कि ये तकदीरों को पलट देना। तकदीर इलाही तो यही थी कि उसका इंतकाल हो चुका था, मगर औलिया को अल्लाह ने वो अख्तियार दिया, ए मेरे वली तू मुझसे बयान कर, तू जो तेरी जो रजा है उसमें मेरी रजा है। इसी को शायर ने यूं कहा था कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। ये तसरुफात, इसी तरह ये वाकयात, अगर मैं सिर्फ यही बयान करूं कि ताजुल औलिया ने कितने मुर्दों को जिलाया है, तो बड़ा तसलसल है इसका, बड़ी लंबी है। इंशाल्लाह जो आने वाली किताब है उसमें सारे वाक़यात जमा कर दिए जाएंगे। चुनांचे मैं दो चार और वाक़यात बता दूं कि एक मरतबा आप बैठे हुए हैं शकरदरा के महल में, लोगों का हुजूम है, चंद छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले बच्चे वो भागते हुए आते हैं, मजमे को जो है खींडों में से मजमों को छाटते हुए, मजमे से बचते हुए सरकार ताजुल औलिया के कदमों में आना चाहते हैं। लोगों ने देखा कि ये चंद कुत्तिया के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, पिल्ले हैं, और ये आ रहे हैं, तो लोगों ने चाहा कि इनको दूर किया जाए, हटाया जाए।
लोग वो कुत्तों को मारने लगे, बच्चों को झुटकारने लगे, आप अपने ही मकाम पे बैठे बैठे इरशाद फरमाते हैं, अरे उनको नहीं भगाते जी, इधर आने देते, मुरादे मांगने आते जी, मुरादे पूरी कर दी जाती। यहां पर आप तसरुफात देखें। आप ही एक साहब बयान कर रहे थे कि किसी से किसी की बहस हो गई तो कहने लगा कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा यार रसूल की बात तो बहुत बड़ी चीज़ है, औलिया के ही बारे में अगर पढ़ो तो अकल हैरान हो जाती है। वो कुत्ते के बच्चे आ रहे हैं, वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मुरादे हैं, ये बावा ताजुद्दीन उनके दिलों के हाल जान रहे हैं। तो अल्लाह के नबी तो कितने बाखबर होंगे, ये तो औलिया का हाल है। आपने फरमाया आने देते जी, उनको नहीं रोकते, मुरादे मांगने आते और मुरादे पूरी होती। चुनांचे लोगों ने फिर उन बच्चों के लिए रास्ता छोड़ दिया, वो कुतिया के बच्चे आते और कदमों में लौटने लगे। अब एक जानवर कहे भी तो क्या कहे, और वो भी जानवर के पिल्ले हो, छोटे छोटे बच्चे हो, मगर ताजिल औलिया वो थे। विलायत वो होती है कि जो जानवरों की भी हाजत रवई करती है, जानवरों की भी जबान विलायत समझती है। हजरते जो है सरकार ताजिल औलिया उनकी जबान को समझ गए, इरशाद फरमाया रोते नहीं जी, बताओ तुम्हारी माँ किधर है। वो बच्चे आगे आगे भागने लगे, ताजुल औलिया पीछे चल रहे हैं। एक मकाम पे वो कुत्तों के बच्चे जाके रुक गए, देखा एक गढ़ा था, नाले जैसा गडर का पड़ा हुआ, गंदगी है और उसमें वो कुतिया मरी पड़ी हुई है। गोया आप अंदाजा लगाएं कि वो बच्चे जो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले थे, वो भी इस बात को समझ रहे थे कि जो हमारी माँ मर गई है शीरखारगी के आलम में, हमारे दूध पिलाने के आलम में, अगर इन कुत्ते के बच्चे, इन जो है कुतिया को, हमारी वाह को कोई जिला सकता है तो वो एक वक्त का वली कामिल ही हो सकता है। ये जानवरों के भी समझ में आ गया, मगर ये दो टांग के लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं बोलता यार, लोग बोलते बड़ा सख्त बोलते, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया थोड़ा नरम नरम डोज दूं, मगर अब करना क्या है कि डोज दो भी तो इलाज नहीं हो रहा है। ये इतना लामर्ज इलाज हो चुका है बदअकीदगी का कि इतना सुनने के बाद, देखने के बाद भी समझ में नहीं आता इन लोगों के। वो जानवरों के समझ में आ रहा है कि मसीहा क्या होती है, मसीहाई क्या होती है। चुनांचे वो आए और उन्होंने सरकार ताजुल औलिया के जब उस मकाम पे ले गया, देखा एक कुतिया मरी पड़ी हुई है। शहंशाह हफ्ते अकलीम ने अपने कदम नाजमीन को उस कुतिया की तरफ बढ़ाया और जोर से ठोकर मारते हैं, तेरे बच्चे दूध की वजह से भूखे हैं और तू यहां सोई भी है, उठ, इन्हें दूध पिला। जैसे ही ठोकर मार रहा था कि वो चीची करते हुए बेदार होती है जी, और उसके बाद वो सारे बच्चे उसके थनों से दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये सरकार ताजुल औलिया जिन्होंने न सिर्फ इंसानों को, अगर गुलाब बाबा का वाक्य बताऊं तो एक और लंबी किस्सा हो जाएगा। इसी तरह हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते, एक अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग थे, नाम तो नहीं लिखा उन्होंने। एक मरतबा वो हाजिर हुए सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में और एक टिफिन लाए हुए थे। हजरत ने फरमाया कि ये क्या है जी, तो उन्होंने कहा हुजूर आपके लिए लाया हूँ खाने के लिए, इसमें झींगा मछली है, झींगे होते हैं ना झींगे, वो मछली पका के लाया हूँ। हजरत हंसते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं ताजुद्दीन जिंदा मछली नहीं खाता जी। उन्होंने कहा हुजूर ये तो पका के लाया हूँ। कहा ना जी ताजुद्दीन जिंदा मछली नहीं खाता। उन्होंने जैसे टिफिन का बॉक्स खोला, देखते तब सारी मछलियां जो तरकारी नहीं है पानी है और उसमें तैर रही है, सारी मछली जिंदा हो चुकी है। तो ये एक करामत थी। अब ये होता कैसे है, इसके लिए मैं एक छोटी सी दलील दे दूं। ये सरकार गौसे आजम की किताब है जिसका नाम है फुतहुल गैब। किसकी किताब है? गौसे आजम की। फतवा लगाना है तो गौसे आजम पे लगाओ, हम पे मत लगाओ। और जिस दिन अब इनका भरोसा क्या यार, जो नबी को भी तोहीन करे तो गौस पाक को कब छोड़ेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश अकीदा है, हमें तो अपने बुजुर्गों और सलाफ की तालीमात पर चलना है। और हमको कुरान ने यही हुक्म दिया है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर अल्लाह हमें चला जिन पर तूने अपना फजल व करम, अपना इनाम नाजिल किया है। ये फतुल गैब सरकार गौस पाक की किताब है, शरा के साथ है ये शाह अब्दुल हक की। इस किताब का मकाला नंबर 16 है, इसमें गौस पाक की तकरीर है, जो सरकार गौस पाक तकरीर फरमाया करते थे, उसको बाद में आप खुद तहरीर भी फरमा लेते। चुनांचे ये बहुत सारे तकरीबन इसमें गौसे आजम की, ये पूरी गौसे आजम की तकरीर है, सरकार गौस पाक की बड़ी मशहूर किताब है। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अहले हदीस के एक मौलाना जिनका नाम है अरमान सरहंदी साहब, अरमान सरहंदी ने गौस पाक की किताब का तर्जुमा किया गुनियतुत तालिबीन का, उसमें लिखते हैं कि फुतुल गैब गौस आजम की मुस्तनद तरीन किताबों में से किताब है, और ये वो किताब है जो आपने आलम जज्ब में डूब कर तहरीर फरमाई है। मतलब आप मोहब्बत इलाही में जब पूरे सरसार हो जाते थे तब आपका कलम चलने लगता और ये अल्फाज जारी होते थे। इसके अंदर कुल 80 आपके बयानात है
और 79 में 16वां जो बयान है उसका एक जुमला मैं पढ़ रहा हूँ कि गौसे आजम ने क्या फरमाया, और जरा सुनिए। सरकार गौसे आजम फरमाते قال الله تعالى في بعض كتبه, सरकार गौस पाक फरमाते कि मैंने बास किताबों में अल्लाह ताला का ये कौल देखा, बास किताबों में अल्लाह का ये कौल देखा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है या इब्ने आदमा अनल्लाह, आए इब्ने आदम मैं आदम की औलाद मैं अल्लाह हूँ, अनल्लाह मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अना अकूलुल शाई कुन फयकून, मेरी शान ये है कि मैं किसी चीज के लिए कहता हूं हो जा, कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाती है। ये किसकी शान है? अल्लाह की। और कुरान में भी अल्लाह ने इस आयत को कई जगह इस्तेमाल फरमाया, कई जगह बयान फरमाया है, इस्तेमाल नहीं बयान फरमाया, माफ करना, कई जगह बयान फरमाया कि कुन फयकून, उसकी शान ये कि वो कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। वा अतीनी, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, अल्लाह क्या फरमाता है, अतीनी हदीस कुर्सी लिख रहे हैं, ऐ बंदे तू मेरी इताअत कर, अजालका तकूलू तो मैं तुझे ऐसा कर दूंगा जब तू कहेगा, लिशाइन किसी भी शय के बारे में, कुन फयकून हो जा तो वो हो जाएंगे। तू मेरी इताअत तो कर, मेरे कुर्ब खास में तो आ। अब उसके सरकार गौसे आदम क्या फरमाते, वकद फाला जालिका बेकसरिम, और ये शान बहुत सारे लोगों में अल्लाह ने डाल दी है कि उनकी शान वो है कि वो किसी चीज के लिए हो जा कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। और वो बेकसीर, बहुत सारे कसीर लोग जो है वो कौन है, मिन अंबिया ही, वह अंबिया भी है, वह औलिया ही, औलिया इकराम है, वह खवास ही, मिन बनी आदम, और नस्ल आदम में कुछ खास हम खास लोग भी है जिनको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि वो कहते हो जा। तो इन्हीं औलिया में सरकार ताजुल औलिया की भी जात है कि अब किसी मुर्दे को आप ठोकर मार देते हैं और मारने के बाद फरमाते हैं हो जा जिंदा, फयाकुल वो जिंदा हो जाता है। तो ये सरकार ताजुल औलिया की शान है कि मुर्दे जिलाना ये जो है अल्लाह की है। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करता चलूँ, बड़ी खास बात याद आ रही है अकीदे के ताल्लुक से। बाद लोग कहते हैं कि मुर्दे जिलाना तो अल्लाह की शान है, तुम वलियों को साबित करते हो, गोया उसकी ज़ात में वलियों को शरीक कर देते हो और ये शिर्क है। मैं इसके जवाब में दो चीज़ कहता हूँ, चलिए अभी वलियों को रहने दीजिए। आप ये बताइए अल्लाह की ज़ात में क्या नबी शरीक हो सकता है? नहीं हो सकता, यह भी शिर्क है। मगर कुरान अजीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिलाने का वाक़िया खुद बयान करता है कि हज़रत ईसा फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत दी है कि मैं किसी परिंदे को बनाता हूँ, मिट्टी के परिंदे को, उसमें फूंक मारता हूँ और कहता हूँ जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत ईसा को ही अल्लाह ने इख्तियार दिया। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस पर इत्तेफाक है कि विलायत नबूवत का ज़िल होती है, उसका साया होती है। अब मैं इसको बता दूं कि जब शख्सियतें बदलती हैं तो ताबीरें बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। मुर्दा जिलाना यकीनन अल्लाह का काम है। किसका काम है? अल्लाह का। जब वो कुदरत इलाही से कोई जिंदा हो जाए, कहा जाता है ये अल्लाह की कुदरत है, इसमें अल्लाह की कुदरत शामिल है, इसमें ये कुदरत खुदावंदी है। मगर जब कोई नबी किसी मुर्दे को जिला देता है, कहा जाता है नबी का मोजज़ा है। अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर के बेटों को जिंदा फरमाया तो कहा गया कि ये मोजज़ा है। हजरत ईसा ने जिंदा फरमाया बेशुमार मुर्दों को, कहा गया कि ये नबी का मोजज़ा है। मगर वही काम जब वली करता है तो कहा जाता है ये करामत है। काम एक ही है लेकिन शख्सियतें बदलती है तो ताबीरें बदल जाया करती है। तो ताजुल औलिया का तसर्रुफ जाहिरन भी था, बातिनन भी था। आप मुर्दे भी जिलाया करते थे, बीमारों को शिफा भी दिया करते थे, और तसर्रुफ की इंतहा तो वो थी ताजुल औलिया की कि जैसा आप जाहिर में तसर्रुफ फरमाते वैसा ही आप ख्वाब में नींद के आलम में भी तसर्रुफ फरमाया करते थे। ये विलायत की बहुत आला मकाम, बड़ी आला कैटेगरी होती है। मैं इसको दो चार वाक्य सुना देता हूँ और फिर उसके बाद बताऊंगा कि विलायत का कितना आला दर्जा और कितना आला मकाम होता है। रायपुर में एक साहब थे जिनका नाम था हुसामुद्दीन साहब, एक्साइज इंस्पेक्टर थे ये अपने ज़माने के, रायपुर में रहा करते थे। बड़ी ख्वाहिश थी कि ताजुल औलिया से मैं मुरीद हो जाऊँ, ताजुल औलिया से मैं मुरीद हूँ। तो एक बार जब वो सो रहे थे हुसामुद्दीन साहब, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए। काय में देख, किस चीज़ में देख रहे हैं वो, क्या देख रहे हैं? ख्वाब में। ये मंजर ख्वाब का है। ख्वाब में देखते हैं हुसामुद्दीन के सरकार ताजुल औलिया आए। आने के बाद हाथ पकड़ के बिस्तर से उठाया, फरमाया हुसामुद्दीन
मुरीद होना चाहते जी, लाओ मुरीद हो जाओ। अपना हाथ दिया, उनके हाथ में हाथ पकड़ा और उनको मुरीद फरमाया। और जो कुछ कलमात पढ़ते हैं, पढ़े जाते हैं, सब पढ़ा के उनको मुरीद कर लिया। हुसामुद्दीन जब सुबह बेदार हुए, बड़े खुश थे, बड़े हशाश बशाश थे कि ताजुल औलिया की ज़ियारत हुई। उस दिन से उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मेरा ट्रांसफ़र नागपुर हो जाए। चुनांचे उन्होंने बड़े कोशिशों के बाद नागपुर अपना ट्रांसफ़र करवाया। और जब नागपुर में उन्होंने कदम रखा, कुछ माह के बाद तबादला हुआ। जैसे ही नागपुर पहुंचे तो सबसे पहले बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए। उस वक्त सरकार का क़याम शकरदरा में था। अब मिलने का बड़ा अजीब अंदाज होता था सरकार ताजुल औलिया का। मिलना कैसा होता था? ऐसा नहीं था कि हजरत बैठे हैं, आप आइए बैठिए और सामने, फिर वो ये मामला नहीं था। आप अपने कमरे में हमेशा बंद रहा करते थे और कमरों में ही रियाजत और मुजाहिदात होते। और जब आपका जी चाहता कि अपनी चेहरे जेबा की ज़ियारत से कौम को, मखलूक खुदावंदी को मुस्तफ़िज़ फरमाए, अचानक बाहर तशरीफ़ लाते, लोग आपके गलों में हार डाल देते, बेशुमार हार आपके गलों में होते, बग्गी में बैठते, बग्गी चल पड़ती, अब जिसको मिलना है साथ में दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते बातचीत करते थे, लोग अपनी हाजतें बयान करते थे। ये अंदाज था ताजुल औलिया का ज़ियारत करवाने का। चुनांचे ये हुजूम में खड़े हो गए और पूछने लगे कि हजरत कब बाहर तशरीफ लाएंगे। तो कहा हजरत के मूड पर है, जब बाहर आ जाए ज़ियारत हो जाए। चुनांचे इंतजार करते रहे। सरकार ताजुल औलिया बाहर बरामद हुए, बग्गी में बैठे, बग्गी चल पड़ी, लोग मजमा दौड़ना शुरू हुआ। ये हुसामुद्दीन साहब भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते रहे शकरदरा से, वो बग्गी बहुत दूर तक चलती रही चलती रही। धीरे 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 जब मजमा बहुत सारा छट गया, कुछ ही लोग रह गए, तो हुसामुद्दीन साहब करीब पहुंचे। और पहुंचने के बाद ताजुल औलिया के करीब जाते, सलाम करते, कहते हुजूर मैं आपसे मुरीद होने आया हूँ। हजरत फरमाते मुरीद कर लिया जी। कहते हुजूर अपना दस्त मुबारक दीजिए कि मैं मुसाफा करूँ। तो बेसाख्ता ताजुल औलिया फरमाते ख्वाब में जो मिलाया था वही काफ़ी है जी। ये है तसर्रुफात। ये ताजुल औलिया का जब आप ये तसर्रुफ देखो तो अक्ल हैरान रह जाती है कि वो कितना अजीम शान वली है नागपुर की जमीन पर, कि जैसा ख्वाब है वैसी ही बेदारी है, जैसी बेदारी है वैसा ख्वाब है, दोनों में कोई तो फर्क नहीं, यकसानियत पाई जा रही है कि गोया ख्वाब भी नहीं वो हकीकत है। ये इंतहाई तसर्रुफ का कमाल है ताजुल औलिया का। क्या फरमाते हैं कि ख्वाब में जो मुसाफा किया वही तो काफी है जी, गोया ख्वाब नहीं था वो हकीकत थी। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं। एक शख्स उस जमाने में एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत रिश्वत खाते थे साहब। उस जमाने में मुसलमानों की बड़ी कद्र थी। आज तो हम नौकरी में 1.5% भी नहीं रहे, उस जमाने में बहुत ज़्यादा परसेंट था हमारा। चुनांचे ये हुआ कि बड़ी धड़ल्ले के साथ रिश्वत लेते थे। नतीजा ये हुआ कि पकड़े गए, पुराने और रिश्वत के मामले सामने आए, नौकरी से उनको बरतरफ कर दिया गया और उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया। नौकरी भी हाथ से गई और मुकदमा अलग उनके सर पर सवार हो गया। बड़े परेशान हुए कि आखिर इन चीज़ों से नजात समझ में नहीं आई, तो अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। और अजमेर जाने के बाद सरकार गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुए और अहद कर लिया कि उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज की बारगाह से नहीं उठ कर जाऊँगा जब तक नौकरी मेरी पूरी ना मिल जाए। अब उधर जो मुकदमे में होता है हो उसकी कोई परवाह नहीं, जिद के बड़े पक्की थे। चुनांचे ये हुआ कि साहब वो रुके हुए हैं वहाँ अजमेर में, रोज़ हाजिरी देते हैं, रोज़ गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, हुजूर मेरी नौकरी बहाल कर दीजिए, सारे मुकदमा खारिज करवा दीजिए, रोज़ गिड़गिड़ाते हैं। एक महीना कामिल बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देते रहे, रोते रहे, इल्तिजाएँ करते रहे। जब एक महीने के करीब कुछ ज़्यादा अरसा गुजर गया तो एक रात ख्वाब देखते हैं कि औलिया इकराम की जमात है, एक हजूम है, जम्मे गफीर है, सरकार गरीब नवाज तख्ते विलायत पर जलवागर है और लोग अपनी इल्तिजाएं, अपनी हाजतें तहरीर कर करके हजरत की बारगाह में हाजिर कर रहे हैं। हजरत हर किसी की इल्तिजा को पढ़ते हैं और हुक्म सादिर फरमाते हैं। ये भी लाइन में लगे हुए हैं, अभी ख्वाब देख रहे हैं साहब। अब उसके बाद ये इनका नंबर आया, इन्होंने भी अपनी हाजत पेश की, हजरत मेरी नौकरी चली गई है, आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, नौकरी बहाल कर दी जाए। सरकार गरीब नवाज ने उस तहरीर को पढ़ा और उसके बाद अपने कलम से तहरीर फरमाते उसी पर तुम्हारी नौकरी भी बहाल की गई और तुम्हारे मुकदमे भी खारिज कर दिए गए। तहरीर कर दिया, दे दिया। अब ये जब ये ख्वाब से बेदार हुए तो जिस कमरे में ठहरे हुए थे अजमेर के, घर वालों से कह के आए थे कि अजमेर से उस वक्त तक वापस ना हुआ जब तक ये सब मामला निपट नहीं जाते। तो जब सुबह बेदार हुए तो कुछ देर के बाद उनके साहबजादे दौड़ते हुए आए, कहा अब्बा जान
खुशखबरी है, मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं, और हुआ ये कि मुकदमा खारिज हो गया, आपकी नौकरी भी बहाल कर दी गई। ख्वाब का बिल्कुल यकीन हो गया कि देखो कितनी बड़ी बशारत और मेरी खुशकिस्मती कि सरकार गरीब नवाज की ज़ियारत भी हुई, और ज़ियारत के साथ साथ जो ख्वाब रात में देखा था उसकी ताबीर सुबह ही जो है जाहिर हो गई कि नौकरी भी बहाल कर दी गई है और मुकदमात भी खारिज कर दिए गए। बहुत खुश हुए, कई साल फिर नौकरी करते रहे, यहाँ तक के कि नागपुर फिर उनका तबादला होता है। नागपुर जब नौकरी के सिलसिले में तबादले की बात हाजिर हुए तो सबसे पहले बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर होते हैं। ये सुन्नियों का अदब हुआ करता था और यही अदब होना चाहिए। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला नो अपनी मलफूजात लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि अजीज तुम्हें चाहिए कि जब तुम किसी शहर में जाओ, दाखिल हो किसी शहर में, तो सबसे पहले उस शहर के वली की बारगाह में हाजिर दिया करो। कि तुम गोया जब उसकी बारगाह में हाजिर होते हो तो अब तुम उसकी पनाह में आ गए, और जब उसकी पनाह में आ गए तो वो शहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये हमेशा सुन्नियों ने आदत बनानी चाहिए कि जब भी किसी शहर में जाए तो मालूम करे कि यहाँ कौन अल्लाह का जलील कदर वली है, और पता चले तो पहले वहीं हाजिरी हो देना चाहिए। यही हमारे उलमा और मशायख का तरीका है कि मैंने खुद देखा कि जो भी आलिम दीन जब नागपुर आता है सुन्नी सही अकीदा, सबसे पहले बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर होता है, उसके बाद फिर जलसे और जुलूस के मामलात होते हैं। चुनांचे ये सुन्नियों का तरीका था, तो वो सीधा जब नागपुर तबादला हुआ तो ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुए। ताजुल औलिया से मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद जब मुसाफा किया, दस्तबोसी करते हैं, तो हजरत देख के मुस्कुरा के फरमाते, हमारी दूसरी मुलाकात है जी हजरत। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो नागपुर पहली बार आया हूँ, दूसरी कब मुलाकात हुई? फरमाया, जब बड़े हजरत नौकरी बहाल कर रहे थे हम तो वहीं खड़े हुए थे। तो यह तसरुफात, अब यहां किसी को ये ना लगने लगे कि यार ये सुन्नी लोग ख्वाब क्या गढ़ते हैं, तो मैं इनको घर पहुंचाना जानता हूं। आइए नुजहतुल मजालिस, यहां भी मैं किताब लाना भूल गया यार, बहरहाल मोहरम में उस किताब को देख चुके हैं आप। हजरत इमाम अब्दुलरहमान बिन सलाम अले रहमा की किताब है ये नुजहतुल मजालिस, वक्त के जलीलो कदर इमाम है। नुजहतुल मजालिस में उन्होंने एक वाक्य लिखा है, और वो वाक्य हदीस बयान करते हैं कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला नो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, और ये जमाना था दौरे खिलाफत हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला नो का, अमरुल मोमिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है। हजरत अली सो रहे हैं, ख्वाब देखते हैं कि फज्र की नमाज का वक्त है, नमाज फज्र है, अल्लाह के नबी अपनी मस्जिद नबी शरीफ में नमाज से फज्र अदा फरमा रहे हैं, और सारे सहाबा इकराम मुक्तदी की हैसियत के साथ मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ रहे हैं। फज्र की नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, हजरत अली ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह के नबी एक सुतून से आकर टेक लगाकर बैठ गए मस्जिद नबी की, सहाबा भी इर्द गिर्द आके आपके बैठ गए। एक शख्स आया और उसने खजूरों का टोकरा बारगाह रिसालत में नजर किया, हाजिर किया, अल्लाह के नबी ने उन खजूरों के टोकरे को लिया, और लेने के बाद हर सहाबी से फरमाते कि बारी बारी आओ और इस खजूर को मुझसे हासिल करो। हर सहाबी आता, नबी पाक अपने दस्ते मुबारक से उस सहाबी के दहन में मुंह में वो खजूर रखते हैं। हजरत अली ख्वाब देख रहे हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी ने हर सहाबी को एक एक खजूर दी, फिर मेरी बारी आई तो अल्लाह के नबी ने एक खजूर दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये खजूर बड़ी उम्दा है, अगर आप मुझ पर करम फरमाए तो एक और अता फरमा दे। तो नबी पाक ने दूसरी भी खजूर दे दी। हजरत अली फरमाते, उसके बाद फिर मैं बेदार हो गया तो कसम रब कायनात की उस खजूर की मिठास और उसकी चाशनी मेरे लबों में थी। ये ख्वाब था। अब आइए इमाम अब्दुलरहमान बिन सलाम अले रहमा नुजहतुल मजालिस में आगे क्या लिखते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि जब अली बेदार हुए तो हजरत अली फरमाते हैं कि नमाज फज्र की अजान मेरे कानों में आ रही थी, मैं उठा, हाजत से फारिग हुआ, और उसके बाद मस्जिद नबी पहुंचा तो देखा कि मुसल्ले नबी पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा की जमात है जो उनके इक्तदा में उनकी पैरवी पीछे नमाज पढ़ रही है। नमाज खत्म हुई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उसी सुतून पर आके बैठ गए जिस सुतून पर जिन्हों ने देखा था कि ख्वाब में कि नबी पाक आके बैठे हुए। हजरत अली फरमाते हैं कि फिर मैंने वैसे ही मंजर देखा कि सहाबा भी ऐसे ही हजरत उमर के इर्द गिर्द बैठ गए जैसे नबी के इर्द गिर्द बैठे हुए। एक शख्स आया, आने के बाद उसने खजूर की टोकरी हजरत उमर के पास लाके रख दी। हजरत उमर कहते हैं कि जो खजूर खाना चाहता है बारी बारी आए और मुझसे खजूर हासिल कर ले।
और साहब ये आता है हजरत उमर खुद अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथ से एक एक खजूर मुंह में रखते हैं। हजरत अली फरमाते मेरी बारी आई तो फिर एक खजूर हजरत फारूक आजम ने मुंह में रखी, मैंने कहा अमरुल मोमिनीन ये खजूर बड़ी उम्दा है एक और रख दीजिए, आपने दूसरी भी रखी, मैंने कहा अमरुल मोमिनीन ये खजूर बड़ी उम्दा है मुझे और तलब है एक और अता फरमाइए। तभी हजरत उमर बेसाख्ता कहते हैं आए अली अबुल हसन कसम खुदा की रसूलुल्लाह तीसरी दे देते तो मैं भी तुम्हें तीसरी दे देता, नबी ने दो दी है इसलिए मैं दो ही दूंगा, नबी से आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये तसरुफात सहाबा के भी जमाने में थे, ये अपने जमाने के वली थे, ताजुल औलिया अपने जमाने के औलिया है और इनके गुलाम है, तो जब इनके गुलामों का ये आलम है तो सहाबा का तो आलम बड़ा अरफा आला है। तो ये तसरुफात यकसानियत थी इनके अंदर, यही वजह थी कि ताजुल औलिया का मकाम विलायत ये था जो अच्छे अच्छों के समझ में नहीं, ये मजाल किसकी जो समझ सके जो कलाम है ताजुल औलिया, ये किसी की मजाल नहीं है, इस पे तो बस रश करना चाहिए। तो इस दौर के ताजुल औलिया, इस दौर के क्या वो वलियों का कोई दौर होता है, सारे जमाने सवारे दौर ही रसूलुल्लाह के हैं, सार उनके गुलामों के हैं। वो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, शायद आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये फला चीज बिदत है, मैं कहता हूं कैसे बिदत है, कहते ये रसूलुल्लाह के जमाने में था क्या, मैं कहता हूं ये जमाना किसका है जी, नहीं समझे, अरे ये जमाना भी तो रसूलुल्लाह का है, अब नबी के जमाने में थे तो ये जमाना किसका है, ये भी नबी का जमाना है, पूरा कयामत तक का जमाना नबी का जमाना है, दुनिया नबी की है जमाना नबी का है, तो ये भी तो जमाना नबी का है। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ताजुल औलिया अपने जमाने के ऐसे वली के जिनकी ताजपोशी ख्वाजा गरीब नवाज, इसी बिना पर आप अक्सर एक जुमला फरमाते, कभी कहते हो जी हो मेरा नाम ताज मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन के मायने क्या होते हैं, दीन का मददगार, कभी फरमाते हो जी बाबू हमारा नाम ताज मोहियुद्दीन है, हम दीन को जिंदा करने वाले हैं, तो आप बेशक दीन के जिंदा करने वाले भी हैं और दीन के मददगार भी हैं। और जैसे कि बात चल रही है तसरुफात सरकार के, ये तो अभी ख्वाब के आपने वाकया सुने, आइए जरा बेदारी में भी, औलिया की एक मकाम होता है जिसको सूफिया की जबान में तय अर्द का मकाम कहते, तय अर्द, तय अर्द मतलब ये कि जमीन की तनावें खींच ली जाती है वली की बारगाह में, और वली के लिए मशरिक को मगरिब कोई हदें नहीं होती, ये हदें हमारे लिए वली के लिए सब यकसा होता है। और इसके लिए मैं एक बात अर्ज करता चलू, बावजूद इसके कि देवबंदी हजरात और वहाबी हजरात से बड़े इख्तलाफात है हमारे, देवबंद के बहुत बड़े आलिम मौलाना इस्माइल देहलवी साहब ने सिरात मस्तकीम में लिखा एक जगह, वो कहते हैं कि औलिया वो हैं कि एक अल्लाह का वली मशरिक में हो, एक मगरिब में हो, एक शुमाल में हो और एक जुनूब में हो, चार सिमतों में अलग अलग जगह औलिया बैठे हो और आपस में वो गुफ्तगू करना चाहे तो ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे पास पास बैठ के एक ही मजलिस में गुफ्तगू कर रहे हो। तो ये हदें हमारे लिए है, औलिया के लिए नहीं है, ना इनके लिए ख्वाब की कोई हदें हैं, ना बेदारी की कोई हदें हैं, इनके लिए जमाने सब यकसा हैं, कोई जमाना इनके लिए पिछला नहीं और कोई जमाना इनके लिए अगला नहीं। चुनांचे आप ताजुल औलिया की जब जिंदगी के हालात का मुलाहजा करेंगे तो यही सिफतें और यही खूबियां आपको शहंशाह हफ्ते अकलीब में नजर आती हैं। चुनांचे एक मरतबा आप अपने असहाब के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं कि एक किसान जिसका नाम रामू था, कुंभी समाज से ताल्लुक था उसका, बारगाह ताजुल औलिया में आता है, हाजिर होता है, कहता है हुजूर बड़ा परेशान हूं। हजरत ने फरमाया चल दफा हो यहां से भाग, उसको धुतकार दिया। अब देखिए हिकमत है बुजुर्गों की, उसने कहा हजरत जब तक ये मुश्किल मेरी हल ना होगी मैं तो जाने वाला नहीं। हजरत उसको भगाते और वो पीछे पीछे रहता, यहां तक के बहुत दिन तक हजरत का पीछा करता रहा, तो आपने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद वाकई में एक दरख्त के किनारे उसको बिठा दिया और रामू को कहते फरमाते यहीं बैठ और अगर यहां से जरा सा हीला भी ना तो तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा, बैठ गया यहां पर और जब तक मैं नहीं कहूं हटना नहीं। वो भी बड़ा धुन का पक्का था, बैठ गया, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन सात दिन तक बैठा रहा, वहीं पर ही कोई खाना ला देता तो खा लेता और वहीं हाजत करता, वहीं हकता मुत्ता सब वहीं मामला चल रहे, दरख्त के करीब से हटने के लिए तैयार नहीं। सातवां रोज जब गुजरा तो उसका भाई जिसका नाम रामन था, रमन, वो दौड़ते हुए आता, कहता भैया मैं आपको सात दिन से तलाश कर रहा हूं और आप यहां बैठे हुए हैं, किसी ने मुझे बताया कि आप इस तरफ जाते हुए देखे गए तो मैं आपको तलाश करते हुए आया हूं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, वो मुकदमा वो केस हम जीत गए। कहा क्या कहते हो, हमारा केस तो बड़ा कमजोर था, हम मुकदमा कैसे जीत गए?
ये केस कैसे सॉल्व हो गया? तो उसने कहा, भाई बड़ी अजीब बात है, अब ये केस क्या था मैं पहले इसका खुलासा कर दूं। ये कुनबी समाज के थे, किसी जमाने में महाजन से कर्ज लिया और उसके एवज खेत को इन्होंने गिरवी किया था। महाजन ने इन पे डिग्री दाखिल कर दी, केस दायर कर दिया इनके खिलाफ। ये अपने बेचारे खेत भी नहीं छुड़ा सकते थे, बड़े गरीब लोग थे ये। तो उसी सिलसिले में ताजुल औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ था। अब यहां ये 7 दिन बैठा है और उधर वो केस की पैरवी चल रही है और केस चल रहा है। तो छोटा भाई कहता है अपने भाई रामू से कि भाई बड़ा अजीब मामला हुआ, एक बैरिस्टर साहब अचानक एक दिन हमारे घर आए और कहा कि तुम्हारे केस के कागजात दिखाओ। तो मैंने कागजात रख दिए, उन्होंने कागजात को पढ़ा और पढ़ने के बाद फरमाया कि कल कोर्ट में मिलना, कल तुम्हारी तारीख है, तुम्हारे केस की पैरवी हम करेंगे और इसके लिए मैं तुमसे कोई फीस भी नहीं लूंगा। तो कहते हैं कि मैंने, अब हमारे पास तो वकील को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, उन पर भरोसा करना पड़ा। कोर्ट हाजिर हुआ, उन्होंने जो है मुकदमा लड़ना शुरू किया। 3-4 रोज तक जिरह चलती रही, उन्होंने ऐसी बहस की कि जज मुतासिर हो गया और उसने हमारे हक में फैसला कर दिया। महाजन की कुछ न सुनी गई। और मैं 3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूं, इस तरह 7 दिन से मैं आपको तलाश के बाद 7 दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। तो कहता है कि वो बैरिस्टर कौन है, उन्होंने बड़ा हम पे एहसान किया। कहा वो अजनबी है, मैं जानता नहीं, मगर हाँ रोजाना जब कोर्ट में पेशी होती तो बाकायदा वक्त की पाबंदी के साथ कोर्ट और पतलून में वो हाजिर हो जाया करते थे और ऐसी जिरा और ऐसी बहस करते कि जज भी देखता रह जाता, सामने वाले वकील को बोलने की जरूरत ना होती। उसने कहा चलो, जानते हो ये केस हम किस सबब से जीते हैं, ये सब कुछ सरकार ताजुल औलिया का फैज है, ये एक बुजुर्ग है, आ मैं उस बुजुर्ग से तुझे मिलाऊं, हम उनके चरण को छुएं, उनके कदम बोसी करें ताकि ये एहसान का जो है कुछ बदल हो सके। ये कहकर अपने भाई रामू को जैसे ही बारगाह ताजुल औलिया में लेकर आया, वो रामन को, उसने जैसे ही देखा चीख पड़ता है, भाई यही तो वो बैरिस्टर थे जो वहां कोर्ट में केस लड़ रहे थे। हजरत मुस्कुरा के फरमाते कैसी जीरा रही जी। तो अब अंदाजा लगाइए, तो ताजुल औलिया किसी अनपढ़ लोगों के बाबा है क्या? मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि ताजुल औलिया से अकीदत है तो इल्म की तरफ तवज्जो दो। मैंने इस बात पर अपनी किताब में एक बहुत बड़ा बात लिखा कि कुछ लोगों ने सरकार ताजुल औलिया के नाम से गलत नजरिया और एक गलत जुमला मंसूब किया, इसकी कोई असल नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी के पास इसकी असल हो तो मुझे किसी किताब में दिखा दे। और वो जुमला क्या है कि ताजुल औलिया फरमाया करते थे अच्छे अच्छे उधर जाते जी, बुरे बुरे इधर आते। और ये बोल के सारी बुराइयां ताजाबाद में गवारा हो रही है, सट्टे चल रहे हैं, जुआ चल रहे हैं, शराबें चल रही है और दुनिया भर की खुराफातें हो रही है। और हर खुराफात का जवाब क्या है? ताजुल औलिया ने कहा अच्छे अच्छे उधर जाते, बुरे बुरे इधर आते। ये चाहलाना जुमला है ना, ये ताजुल औलिया की किसी सवाने हयात में है ना, ये सरकार का जुमला है। अरे अल्लाह का वली तो दीन का मददगार, दीन को संवारने वाला होता है, वो जहालत को कहां गवारा करेगा। और अगर बिल फर्ज ये जुमला अगर हो भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि ताजुल औलिया की बारगाह में रहो और बारगाह में रहकर जुआ भी खेलो, शराब भी पियो, सट्टा भी लगाओ, ये नहीं है। बल्कि ये कि जो अच्छे हैं तो उनकी जरूरत नहीं है, जो बुरे हैं वो यहां आए और यहां से सुधर के जाएं और जमाने को सुधारने वाले बन जाएं, ये उसकी मुराद है। मैं एक जुमला कहा करता हूं कि कितना बदनसीब होता है वो शख्स जो दरिया के करीब और प्यासा रह मर जाए। आप उसको बदनसीब कहेंगे ना, दरिया के किनारे है और प्यासा ही मर गया। कहा क्यों मरा? कहा ये पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? दरिया तो बह रहा था। कहा इसने कहा नहीं, मैं तो पानी पीऊंगा ही नहीं। यही हालत इन लोगों की है कि इसला का समुंदर पास रखा हुआ है, दीन का मोइनुद्दीन पास है, दीन का मोइनुद्दीन पास है और वहां होने के बाद ये इसी खुशफहमी में जिए जा रहे हैं। बुरे बुरे यहां रहते इसलिए सब बुराइयां करो। नतीजा क्या हुआ कि ताजुल औलिया के नाम से इतनी बुराइयां आज जाहिल और जोहला हमारे गढ़ रहे हैं कि जिससे सुन्नियत का सरासर नुकसान हो रहा है। और उलमा से भी मेरी गुजारिश है कि इस सब पर बोलना चाहिए उलमा इकराम ने। उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? अभी मेरे ख्याल से इतवार के दिन संदल निकलेगा और उसमें क्या होगा पता है आपको? औरतें तक संदल में जाने लगी है। ये हमारी कौम की माँ बहने, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ताजुल औलिया की तालीमात नहीं है, वो दीन नबी के महाफिज बनकर आए थे। मैं वो पहलू अब वो बताने जा रहा हूं कि सरकार ताजुल औलिया एक आलिम वक्त थे, अपने वक्त के शरीयत के पासबान का नाम ताजुल औलिया है। खुराफाती बाबा और खुराफाती किसी पीर का नाम ताजुल औलिया नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औरतों को संदल के जाने से रोके, चाहे वो कितना ही बड़ा संदल हो और चाहे वो कैसा ही संदल हो। औरतों का जाना जब
मस्जिद की हाजिरी औरतों के लिए हराम है, तो संदल देखना कहां से जायज हो जाएगा? नमाज से बढ़कर कोई इबादत है? नमाज तो फर्ज ऐन है ना, मगर जब औरतों को मस्जिद की हाजिरी से मना कर दिया गया तो संदल देखने की इजाजत कब दी जाएंगी? तो ये जिम्मेदारी है हमारी दोस्तों, हम मिशन ताजुल औलिया को समझे, उनकी तालीमात को देखें कि उनकी तालीमात खुराफातें नहीं है बल्कि खुराफातों का दिफा है। और यही सरकार ताजुल औलिया की शान थी। आने वाले आते हैं ताजुल औलिया की बारगाह में, और गालिबन असर का वक्त था जब वो बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए, तो अजान हो रही थी उस वक्त। तो उन्होंने सोचा चलो नमाज तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले हजरत से मिल लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी जोहला है जो अजीब गरीब बाबा बन के बैठे, नमाज ही नहीं पढ़ते। क्यों साहब आप पे नमाज नहीं, हमारे पर माफ है। अबे नबी पर माफ ना हुई, तुझ पे कब से माफ हो जाएंगी? और नहीं बाबा ताजुद्दीन नहीं पढ़ते थे, मैं बताऊंगा वो भी बहुत पढ़ते थे, और वो कैसे पढ़ते थे तुम पढ़ भी नहीं सकते हो ऐसी, समझ रहे हैं आप? तो नमाज हम पर माफ है, कुछ तो ऐसे जोहला है, हमारी नमाज अर्शे आजम पर हो जाती है। और हमारे पास वो है जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जो समझ में ना आए वो सिर्फ जहालत होती है और कुछ नहीं होती, जो समझ में आए वही इल्म होता है, जो समझ में ना आए वो किस काम की चीज, भानुमती का पिटारा है फिर वो। तो ये अजीब अजीब जाहिल सूफी, अजीब अजीब जाहिल बाबा निकल पड़े हैं आज, और सब बाबा ताजुद्दीन के नाम की रोटियां खा रहे हैं। मगर ताजुल औलिया की तालीम को आप मुलाहिजा कीजिए, ये नहीं है ताजुल औलिया की नमाज मत पढ़ो। ताजुल औलिया के पास आने वाले आ रहे हैं, बड़े दूर से चलकर आए हैं, सोचते हैं कि चलो नमाज तो बाद में पढ़ ली जाएंगी, वक्त है पहले बारगाह ताजुल औलिया में जाके हाजिरी दें, उनसे मुलाकात करें। जैसे ही खिदमत ताजुल औलिया में हाजिर हुए, बेसाख्ता जलाल के आलम में एक जुमला फरमाते हैं, हो जी बाबू क्या ताजुद्दीन चिड़िया था जो उड़ जाता, पहले अल्लाह अल्लाह करते जी फिर इधर आते। चिड़िया तो था नहीं कि उड़ के निकल जाता और तुम्हें ना मिलता। तो ये तालीम है ताजुल औलिया की, नहीं पहले फर्ज इलाही है उस बंदों की खिदमत, ये बात का मरहला है, पहले बंदगी इलाही, अल्लाह की बंदगी का इजहार, बारगाह रब्बुल इज्जत में आजीजी और इंकसारी का इजहार, ये फर्ज आयन है। चुनांचे ताजुल औलिया ने क्या किया, हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कुछ लोग हजरत के जमाने में ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा कि हम तो हजरत की सोहबत में है, हजरत की खिदमत सोहबत ही से हमें जन्नत मिल जाएंगी, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि कुछ लोगों ने यही ख्याल किया कि हमें नमाज की क्या जरूरत है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो खिदमत ताजुल औलिया में। हजरत को खबर हुई, पता लगा, अब जलाल के आलम में आए, फरमाया नहीं जी पहले नाना की शरीयत पर अमल करते, नमाज पढ़ते, उसके बाद ताजुद्दीन की खिदमत करते। फिर आपने एक अंजुमन बनाई, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के जिम्मे क्या सौंपा, लोगों को नमाज के लिए जमा करें और लोगों को नमाज पढ़ाए। कमेटी बनी जिसका नाम हजरत ने रखा नमाज की अंजुमन, और उसके सदर कौन थे, यही हजरत बाबा मौलाना यूसुफ शाह ताजी। ये फरमाते कि इस अंजुमन का काम यह हुआ कि फज्र के वक्त ये लोगों को नमाज के लिए उठाती। जिस दिन अंजुमन बनी रात में कुछ लोग सोया, जब फज्र के वक्त हम उठाने पहुंचे पहला दिन, तो वो जो कुछ हडर्म थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हजरत ने कहा हम तो हजरत के कुर्ब खास में ज्यादा करीब है, हजरत को तो हजरत हमारे हमें बख्शवा देंगे। तो हजरत मौलाना यूसुफ फरमाते हैं कि हमने उनको उठाया, पैर पकड़ पकड़ के हिलाया, लेकिन वो उठने के लिए तैयार ना हुए। चुनांचे हम लोगों ने नमाज फज्र पढ़ ली, जितनों ने चाहा पढ़ लिया, वापस आए तो वो बेदार हो चुके थे। हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि जैसे ही ये लोग जब बारगाह ताजुल औलिया में गए, आप सख्त आलम में जलाल के आलम में कुरान अजीम की एक आयत करीमा पढ़ते हैं, और वह आयत के करीमा पढ़ के बता रहे हैं कि तुम कितने बड़ी खताकार और गलतकार हो। हजरत सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं, वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जो बारीक से बारीक नेकी भी बारगाह इलाही में लाओगे उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा, और बारीक से बारीक गुनाह भी तुम बारगाह इलाही में जो ले आओगे उसका तुम्हें सजा दी जाएंगी। वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो एक खैर का जर्रा भी लाए, जर्रा बराबर भी नेकी लाए, अल्लाह फरमाता है उसका बदला दिया जाएगा। وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, और जो गुनाह और बदबख्ती का एक जर्रा बराबर भी लाए उसके लिए भी उसको सजा दी जाएगी। यह आयत करीबा पढ़ के आप फरमाते हैं, नहीं जी बाबू पहले नमाज पढ़ते कि अल्लाह की बारगाह से पूछ से बच जाया करते। चुनांचे आपने नमाज की तलकीन फरमाई। उस जमाने में एक शख्स थे जिनका नाम था मौलाना काजी नूर अहमद साहब, काजी
नूर अहमद साहब अहले हदीस थे ये जनाब, और ये चांदा के रहने वाले थे। ये नाम चांदा है पुराना, मैं अभी बता दूं, कल बता चुका हूं, चंद्रपुर को पुराना नाम जो है उसका चांदा है, अब नया नाम चंद्रपुर है। वहां के रहने वाले थे, कट्टर किस्म के अहले हदीस। अब जो औलिया अल्लाह के नबी के तसर्रुफात को ना माने, सरकार ताजुल औलिया के तसर्रुफ को कम मानते, चुनांचे ये बुजुर्गों की अकीदत के कायल नहीं थे, बुजुर्गों की अकीदत मंद नहीं थे। तो उस जमाने में चंद्रपुर से कुछ लोग आते थे सरकार की खिदमत में, वो इनको जाके बयान करते हजरत की करामतें, हजरत के तसर्रुफात, तो वो मजाक उड़ाते। तो लोगों ने एक दिन कहा कि चलिए जनाब आज हमारे साथ चलिए और खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। चुनांचे इनको लेकर आए। जब ये काजी नूर अहमद साहब अहले हदीस के जो आलिम थे ये पहुंचे शकरदरा में, तो देखा कि यहाँ पर सब याताज की वजीफे रट रहे हैं, या ना यहाँ काला रसूलुल्लाह है ना काला अल्लाह है, यहाँ तो याताज है। तो दिल में सोचा ये सब शिर्क में गिरफ्तार है, ये सब शिर्क में गिरफ्तार है। अब बात बात पे शिर्क दिखता है इनको। सरकार बैठे हुए थे, ये दूर खड़े हो गए और दूर से सारे मजमे की हालात को देख करके, लोग आ रहे हैं, कोई कदमों को बोसा दे रहा है, कोई पैरों को चूम रहा है, हाथों को चूम रहा है, ये अरे यार ये क्या शिर्क है, क्या शिर्क है, क्या शिर्क है, ये बेजार होके दूर खड़े हुए हैं। और आलम यह हुआ कि कराहत हुई और वो करीब भी नहीं पहुंचे बाबा जान के पास। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद सरकार ताजुल औलिया उठे, बैठे हुए थे उठे, लोग सब बना के खड़े हो गए। जब आप चलते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं, इनके करीब आए और एक जोरदार बुक्का सीने पे मार दिया इनके। अब जैसी पड़ा इनको बुक्का, वो ताजुल औलिया की मार थी, पूरा इल्म सल्फ, आलम यह होगा कि पूरे खोखले। घर पहुंचते हैं, किताब खोलते हैं तो देखते हैं रोते, हुर्फ पढ़ना नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुरान तो बहुत दूर की बात, कायदा वाली बे कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस रोते हैं। तमाम घर के अफराद जमा हो गए, रोने का सबब पूछा, का सब खाली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं बचा। दोस्त अहबाब आए, यही हाल था। लोगों ने कहा कि देखो वो ताजुल औलिया की मार का ये सजा है ताजुल औलिया की, तुमने उनके ताल्लुक से बदगुमानी की, देख लिया बुजुर्गों का तसर्रुफ क्या होता है, इससे बचने की एक ही सूरत है और वो ये है कि बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हो जाइए और उनसे माफी तलब कीजिए। माफी के इरादे से फिर चांदा मेटा से निकलते हैं, पहुंचे शकरदरा। सरकार ताजुल औलिया इस बार भी वैसे ही बैठे हुए थे, ये गए और कदमों में जाके गिर गए, हजरत ने उठाया, मोहब्बत से मुस्कुरा के देखा और सीने पे हाथ रख दिया। हाथ रखना था, ऐसा इल्म मोजाजन हुआ, मोहब्बत ताजुल औलिया ऐसी गालिब। एक वक्त ये था कि वो किसी वली को मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब मोहब्बत ताजुल औलिया इतनी गालिब हुई। अब मैं वाके के हवाले से बता रहा हूँ कि उसमें आप कोई बदगुमानी ना करें, क्योंकि फिर ताजुल औलिया ने इस्लाह भी की है उनकी। अब नमाज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या ताजुद्दीन इय्याका नअबुदु या ताजुद्दीन, इय्याका नस्ताईन वय्याका नस्ताईन, या ताजुद्दीन अहदिनस सिरातल, या ताजुद्दीन सिरातल लजीना, या ताजुद्दीन, मतलब जो जो आयत पढ़ते हैं हर आयत के बाद या ताजुद्दीन, ये एक नया इजाफा। और दूसरा उन्होंने काम क्या किया, एक झंडा बनाया और झंडे पर लिख दिया ताजुद्दीन नूरुल्लाह, ताजुद्दीन अल्लाह का नूर है। फिर एक तावीज बनाया, एक कागज पे खूब लिखा या ताजुद्दीन, और तावीज को फोल्ड होल्ड किया, डन पे बांध लिया, ये मोटा तावीज डन पे। अब किसी के बाप से समझने के लिए तैयार नहीं, पूरी जुरियत अहले हदीस की परेशान, या अल्लाह ये कल तक काला रसूलुल्लाह, हाजा शिर्क कहता था, अब हाजा मोहब्बत कह रहा है, ये मामला क्या है, समझा रहे नहीं, समझने के लिए तैयार। दोस्त भी बड़े परेशान हो गए, अब वो जो सुन्नी ले गए थे वो परेशान, भैया इतनी मोहब्बत तो हमारी में पास भी नहीं है, ये तो बहुत ओवर मोहब्बत है। बारगाह ताजुल औलिया में वो सारे अहबाब हाजिर होते हैं, शिकायत करते हैं, हुजूर बड़ा अजीब हाल है, हर नमाज में जोर जोर से किरत होती है, चीख चीख कर किरत होती है, और हर आयत के बाद या ताजुद्दीन का वजीफा है, डन पर आपके नाम का तावीज बना लिया है, और मैं गलत बोल गया, फोटो थी, फोटो का तावीज बनाया था उन्होंने, बाजन की फोटो कहीं से लाया, उसका तावीज बनाया। और उसके बाद आलम यह हुजूर कि वो झंडे पे ताजुद्दीन नूरुल्लाह लिखवा दिया है, सामने दरवाजे पर लगा दिया, सारे अहले हदीस देखते और चिढ़ते। हजरत जलाल में आए, फरमाया लेकर आओ जी उनको। दोस्त पहुंचे, हजरत याद करते हैं, बिल्कुल दौड़ते हुए गए, हजरत ने याद किया, जैसे ही बार गए ताजुल औलिया में पहुंचे, मोहब्बत के अंदाज में और तंबीहन अंदाज, तंबी के साथ, मोहब्बत आमेज तंबी, एक पीठ पे बुक्का मार के फरमाते हैं,
तावीज खोल दो, झंडे को उतार दो और नमाज वैसे ही पढ़ते जैसे नाना की शरीयत बोलती है, जरा सी भी तब्दीली करते ताजुद्दीन हड्डी तोड़ देता। तो क्या है इसका मतलब? मोहब्बत में इतेदाल चाहिए। ये तालीम ताजिल औलिया बता रही है, तालीम ताजिल औलिया, कि मोहब्बत इतेदाल पजीर वाली मोहब्बत ज्यादा बेहतरीन होती है। मोहब्बत में गुलू नहीं होना चाहिए, इंतहाई गुलू जो है वो इंसान को गुमराहियत की तरफ ले जाता है। और शरीयत की पासदारी देखिए, ये नहीं किया ताजिल औलिया ने, सनद नहीं बनने दी कि अगर ये वाक्य सनद बन गया तो आज तो ये मोहब्बत में कर रहे हैं, हालांकि माजूर थे इसलिए कि मोहब्बत में थे, वो डूबे हुए थे, वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, मोहब्बत का तकाजा था, गलबा मोहब्बत था, मगर कुछ जाहिल बगैर मोहब्बत के ये ढोंग करेंगे, उसकी जड़ ताजिल औलिया ने पहले ही काट दी। चुनांचे आप देखिए, ये शरीयत का आलम था। और मैंने कहा कि खुद आपने भी नमाज पढ़ाई है, कैसे नमाज पढ़ाई है जरा ये भी देखते चले आप। सीताबर्डी की मस्जिद मौजूद है आज भी, बाजार की पुरानी मस्जिद थी उस वक्त, अब तो बन गई है माशाल्लाह, वही सीताबर्डी की मस्जिद है। पग्गी जाती है और सरकार ताजिल औलिया, मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दे यहीं पर ही, उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को यह हुक्म था हजरत का, घोड़े को आजाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। चुनांचे वो मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हजरत ने फरमाया इनको रोक दे, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ लाते हैं, अजान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतजार हो रहा था कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसी लोगों ने देखा सरकार ताजिल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार जहनसीब शहनशाह विलाया शहनशाह हफ्ते अकलीम हाँ तशरीफ लाया है, हुजूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया। अब हजरत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी, तीन रकात थी, कभी चार चार सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं, तीन होती थी, ये पांच पांच सजदे, छह छह सजदे, कभी रुकू पे रुकू, आयत पे आया, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी, कौम में तो ग्रुप हो गए, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी यार, पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है, यही नमाज की मेराज है, और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के अवज बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने के ख्याल कतन ना आया। सरकार ताजिल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतजार हो रहा है, अगर दुआ फरमाए तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है, लेकिन वो कुछ अंसर जो उनके दिल में था, एक शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज खत्म हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो हुजूर ताजिल औलिया अचानक झटके के साथ, तेजी के साथ, मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्घी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया। सरकार का हुजूर, माना कि आप एक बुजुर्ग है, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज, आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी, ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई कई सजदे थे और कई कई रुकू थे और कई कई रकाते, ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने के बाद बग्घी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते, हौजी बाबू जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता था जो दिन वैसी नमाज पढ़ता है। तो ये कौन सी नमाज थी? मैं इसकी दलील बुखारी से दे दूं ताकि किसी को बुखार ना आने पाए। बुखारी बड़ी अहम किताब है ये हदीस की। अमरुल मोमिनीन हजरत उमर रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स आया नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, घोड़े से उतरा, सफेद लिबास पहना हुआ है वो शख्स, उसके लिबास पर एक दाग भी नहीं है। बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, नबी से इतना करीब होके बैठा कि हुजूर के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए, फिर अपने हाथ को नबी के जानवे मुबारक पर रखा,
और पहला सवाल करता है, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? नबी पाक ने शर्त फरमाया, इस्लाम यह है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए और मुझे रसूल जाने, रसूल पर ईमान लाए। उसने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी एहसान क्या है, एहसान की तारीफ क्या है? जब नबी ने जवाब दिया तो उसने कहा सद्दकता मोहम्मद, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया। दूसरा सवाल किया उसने, एहसान क्या है? नबी ने फरमाया एहसान यह है कि तू नमाज ऐसी पढ़े गोया खुदा को देख रहा हो। एहसान क्या है? कि तू नमाज ऐसी पढ़ जैसे तू गोया खुदा को देख रहा हो, और अगर ये कैफियत ना हो तो ये तसव्वुर कर के खुदा तुझे देख रहा है। कहने वाले ने कहा सद्दकता या रसूल अल्लाह। फिर उसने तीसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगी? तो नबी पाक ने फरमाया कि जितना कयामत के बारे में पूछने वाला जानता है उतना ही बताने वाला जानता है। उसने कहा सद्दकता या रसूल अल्लाह, सलाम किया चला गया। हजरत उमर कहते हैं कि नबी ने फरमाया ऐ उमर देखो वो जा ना चुका हो कि मुझे उससे और कुछ बात करनी है। हजरत उमर फरमाते हम दौड़े उसको ना पाया, हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो तो नजर ही नहीं आता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जानते हो वो कौन थे? वो जिब्रील था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। जिब्रील सहाबा को दीन सिखाने आ रहे, क्या कि नमाज ऐसी पढ़ो, नबी से कहलवा कर, नबी से सवाल करके, नबी से कहलवा के बता रहे कि नमाज ऐसी पढ़ो गोया खुदा को देख रहे हो, और इतनी कैफियत ना हो तो फिर ये तसव्वुर हो कि खुदा को गोया तुम, खुदा तुम्हें देख रहा है। तो ये हमारी नमाज है कि जिसमें तसव्वुर ये होना चाहिए कि खुदा हमें देख रहा है, मगर ये औलिया की नमाज होती है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो खुदा को देख रहे होते हैं। तो जैसा किताब वाला बोलता, आप समझ में आ रहे हैं जुमले की हकीकत, जैसा किताब वाला बोलता वैसी हम नमाज पढ़ते। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है, मैं किताब लाया हूं, देखिए यह है कशफुल महजूब, यह हजरत दाता गन बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है। सरकार गरीब नवाज से बहुत पहले हिंदुस्तान तशरीफ ला चुके हैं। दाता गन बख्श लाहौरी कशफुल महजूब के अंदर सफा नंबर 342 पर एक वाकया लिखा है हजरत दाता गन बख्श ने, मैं बता देता हूँ। हजरत इब्राहिम एक बुजुर्ग है शेख अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते कि मैं अपने ज़माने के एक वक्त के वली कामिल हजरत मुस्लिम अल मगरबी से मिलने के लिए पहुँचा। अब ये शेख इब्राहिम जो थे वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, और ये हजरत मुस्लिम अल मगरबी जो थे ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे उस दौर के। तो हजरत शेख अबू इसहाक इब्राहिम कहते कि जब मैं पहुँचा तो वो नमाज पढ़ा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किरत सही नहीं कर रहे, तो मैंने ख्याल किया कि इनके पीछे मेरी नमाज तो होंगी नहीं, इसलिए कि इनकी तो किरत ही सही नहीं है। तो वो कहते हैं हजरत इब्राहिम कि मैंने अपनी नमाज अलहदा पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं उस मस्जिद से उनसे मिले बगैर चला गया कि यार इनसे अब क्या मिलना, कि जिसकी किरत सही नहीं हो क्या वली होगा। तो उनके जबान में लुकनत थी हजरत मुस्लिम अल मगरबी की। तो हजरत शेख इब्राहिम कहते हैं कि मैं जब गया दरिया के किनारे के वजू वगैरह कर लूँ और जो है अब साफ सफाई कर लूँ, हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊँ, कहते तभी मैंने एक शेर को आता हुआ देखा, अब वो शेर मेरी ही तरफ आ रहा था। तो शेख इब्राहिम घबराए और ये भागे, शेर पीछे लपका, यहाँ तक के कि ये भागते भागते हजरत मुस्लिम अल मगरबी के मकान तक आ गए। हजरत मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान के सामने खड़े हुए थे, ये पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हुजूर इस शेर से मैं, मुझे बचाइए, मैं आपकी पनाह चाहता हूं। हजरत ने फरमाया घबराओ नहीं। उसके बाद हजरत मुस्लिम अल मगरबी उस शेर के पास पहुंचते हैं, उसके कान को पकड़ा और कान को ऐसे ममोड़ते हैं जैसे किसी बकरी के बच्चे के कान को ममोड़ रहे हो, और शेर से मुखातिब होकर फरमाते अल्लाह के कुत्ते क्या मैंने कहा नहीं कि मेरे मेहमानों को तंग ना किया कर। और उसके बाद जो एक जुमला सुना फरमाया, कहा इब्राहिम ये तुम हो जो अपने जाहिर को सवारते हो, हम सूफिया और औलिया वो है जो अपने बातिन को सवार लेते हैं, और जब हम अपने बातिन को सवारते हैं तो हर मखलूक हमारी इताअत करते हुए नजर आती है, और तुम जाहिर सवारने में लगे रहते हो तो तुम मखलूक की इताअत करते हो, और हम अपना बातिन सवार ले, तो ताजुल औलिया वो है जिन्होंने अपना बातिन सवार लिया था। तो मंजिल ये थी कि अब नमाज की रकातें नहीं देखी जा रही है, मोहब्बत देखी जा रही है, उल्फत देखी जा रही है, और जब वो देखी जा रही है तो आलम यह है कि मकाम वो है कि जैसा किताब वाला बोल रहा है वैसी अब नमाज अदा की जा रही है। अब हुक्म हो रहा है ताजुद्दीन सजदा करो, सजदा हो रहा है, रुकू करो, रुकू हो रहा है, किरत करो, किरत हो रहा है, अब रकातों का तायुन नहीं है, इसलिए कि यह मकाम फना फिल्ला है, और जब बंदा मकाम फना फिल्ला पर पहुंच जाता है
तो ये सारे दुनियावी लवाजमात और ये शरीयत के दायरे और हदूद उससे वो परे हो जाया करता है, क्योंकि मकाम फनाफिल्ला की मंजिल में होश हवास गुम हो जाते हैं। जो होश में ना हो वो क्या ना करे। चुनांचे ये सरकार ताजुल औलिया की चंद बातें आपके सलाह का अंदाज में बता दूं आपको, सब शरीयत की पासदारी और शरीयत का तहफ्फुज़ है। एक आने वाला आता है हजरत की खिदमत पे, कहता है हुजूर मुझे अपने जैसा बना दीजिए, मतलब वली बना दीजिए। लेकिन उसके लिए क्या फरमाते, पहले तलब की किताब तो लाओ जी, फिर बना देंगे। क्या फरमाया? तलब की किताब। लेकिन जाहिरी मफहूम जो मैं समझ सका हूं वो यही है, तलब की किताब मतलब पहले बातिन में तलब तो पैदा हो तब वो मकाम भी दे देंगे। एक आने वाला आता है, कहता है हुजूर मैं हाजिर हुआ हूं, हुजूम है, एक वसवसों का तसव्वुरात में खोया रहता हूं, वसवसे हैं। हजरत ने बड़े प्यारे जुमले में इस्लाह फरमाई, कहते हैं सब कबूतर है रे, पिंजरे में से उड़ा दे वो लेने। यहाँ पे खतरात को तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सब इस्तिलाहिया जो है, ये इस्तिलाहाते हैं, ये सूफिया की है। आपने कहा पिंजरे को खोल दे, कबूतर को उड़ा दे, ये कबूतर क्या है? ये नफसानी ख्वाहिशात, ये वसवसों का सबब नफसानी ख्वाहिशात होती है। जब इंसान जब तक इनको कैद किए हुए रहता है, खुद इनके इर्द गिर्द कैद रहता है, और जब वो अपने दिल को आजाद कर देता है और सारे ख्यालात को उड़ा देता है मिसल कबूतर के, तो अब वो अल्लाह की याद में और उसकी जो है जिक्र में ऐसा मैं होता है कि फिर वही मकाम फनाफिल्ला होता है। हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि एक साहब आए, एक आलिम दीन थे अपने वक्त के, बहुत बड़े आलिम दीन, वो हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहते हैं कि हुजूर बड़ा अजीब मामला है, मैं नमाज पढ़ता हूँ जी नहीं लगता, वजीफा करता हूँ जी नहीं लगता, हुजूर आलम यह है कि बड़ा परेशान हूँ, वसवसों में घिरा रहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि फिर क्या चाहते हो जी? कहा हुजूर मकाम विलायत अता कर दीजिए, वसवसों को दिफा फरमा दीजिए। ता फरमाते मौलाना, वो आलिम साहब थे, कहा मौलाना कुत्ता मार के लाओ जी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। अब देखिए वो एक शेर मुझे याद आता है, इस तरह की मैं गुफ्तगू बयान करूं तो बहुत तवील हो जाएंगी, लेकिन फिर एक एक को समझाना पड़ेगा तब बात में चाशनी आएंगी, और नहीं समझाऊंगा तो आप बोलेंगे यार ये क्या गुफ्तगू है। इसके लिए मैं एक शेर कह दूं सरकार ताजुल औलिया के बारे में, हजरत बाबा सरवर शाह फरमाते ये कोई फर्क अकील हो या सिराज बज्म फहीम हो। सिराज कहते सूरज को, कोई अपने बज्म का इल्म फन का सूरज क्यों ना हो, वो ये मजाल किसकी जो समझ सके जो कलाम ताजुल औलिया। तो उन्होंने कहा हजरत मकाम विलायत अता कर दीजिए। हजरत ने फरमाया कुत्ता मार के लाओ जी, दोनों मिलकर खाएंगे। तो वो समझ ना सके, तो कहते हजरत मैं समझ ना सका। हजरत ने फरमाया वाजी बोले आप मौलाना बन गए, और ये हदीस रसूल नहीं नजर से गुजरी, वो हदीस क्या थी सुनिए, अद दुनिया जीफतुन व तलबहा किलाब। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते दुनिया बुरदार है और उसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। दुनिया क्या है? मुर्दार, मुर्दार की मिसल है, और उसके तलबगार, उसके तलब करने वाले, उसके पीछे भागने वाले ये क्या है? किलाब, कुत्ते हैं, कुत्तों की मानिंद है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो नफसानी ख्वाहिशात, ये दुनिया तलबी, ये मिसल कुत्ते को है, अपने जिस्म से इसको खारिज करो और मार कर खा के खत्म कर दो। जब तू ये मार के खत्म कर देगा तब मकाम विलायत पर फायज होगा। अब मैं इसकी झलक बता दूं कि कुत्ता क्या होता है। औलिया में बाज वो गुजरे हैं कि हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरकार गौस पाक के पीरों में से है, सरकार गौस पाक के दादा पीरों में से है, एक बस्ती में पहुंचे आप, एक सैर तफरी फरमाया करते थे, तो उस बस्ती के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाया और बुला के फरमाया कि हमारी बस्ती में शिबली दाखिल हो गए हैं। देखिए वलियों को भी सब पता चल जाता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरे ट्रांसमीटर लगे हुए होते थे इनके। तो उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती में शिबली आए हैं, तुम जाओ इज्जत एहतराम के साथ उनको सलाम करो, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ, और उनसे कहना कि हमारे शेख ने आपकी दावत रखी, आप तशरीफ लाइए, दावत कबूल कीजिए। ये दोनों पहुंचे मुरीदीन हजरत शिबली के पास, कहते हुजूर हम फला के मुरीद है और हमारे शेख आपसे बड़े मुतासिर है, उन्होंने आपकी दावत रखी, आप तशरीफ लाइए दावत में। तो उन्होंने कहा कि अपने पीर से जाके कहना कि हम दावत तो कबूल करते, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दो कुत्ते भी साथ में होंगे, वो भी खाना खाएंगे, अगर वो मंजूर हो तो दावत कबूल है। अभी दोनों मुरीद सोचने लगे या अल्लाह ये कौन से वली है जो कुत्ते पालते रहते हैं, कुत्ते को साथ में लेके घूमते रहते हैं, अजीब वली है।
साथ में दो कुत्ते भी थे आपके। उन्होंने कहा ठीक है हजरत, कह देंगे। पीर मुर्शिद के पास पहुंचे, कहा हुजूर आपने तो कहा शिबली बहुत बड़े अल्लाह के वली है, उनकी ताजीम करो, इज्जत करो, दावत दो, आप ऐसे फासिक को फाजिर की दावत करें जो कुत्ता लेके घूमता फिरता है। तो पीर मुर्शिद थे, पहुंचे हुए वली थे, वो मुस्कुरा दिए, कहा शिबली के जाके कहो कि हजरत आपकी शर्त मंजूर है, आप अपने कुत्ते समेत आइए। ये फिर मुरीद पहुंचे, कहा हुजूर पीर पीर साहब फरमाते हैं, मुर्शिद ने कहा है कि आप कुत्ते समेत आइए। कहा नहीं नहीं अभी नहीं, जाके अपने पीर मुर्शिद से एक बात और कह दो, वो कुत्ते दस्तरखान पे बैठ के हमारे साथ खाना खाएंगे, ये नहीं कि उनके लिए कोई अलग जगह होंगी, वहां कुत्ते को तुम डाल दोगे और वो खाएंगे, वो हमारे साथ दस्तरखान पे बैठेंगे। तो मुरीद अब तो और परेशान, या अल्लाह ये कैसा अजीब वली है। फिर आए पीर के पास, कहा हुजूर वो तो ये कहते, कहा जाओ उनसे कहना ये भी शर्त आपकी मंजूर है, बस आप तशरीफ लाइए। पहुंचे मुरीद, कहा हुजूर हमारे पीर ने कहा मंजूर है। कहा ठीक है हम आ जाएंगे। वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, पीर मुर्शिद ने बेहतरीन दस्तरखान सजाया और बेहतरीन किस्म की अक्सा व अनवा किस्म की जो है गिजाएं और बेहतरीन पकवान सामने परोस दिए गए। हजरत शिबली तशरीफ लाते हैं, साथ में दो कुत्ते हैं और उनके गलों में जंजीरें बंधी हुई है और हजरत शिबली के हाथ में जंजीरें। इस आलम में दाखिल हुए, पीर मुर्शिद ने अदब किया, बुजुर्ग ने हाथ पकड़ के दस्तरखान पर ले आए, बिठा दिया। एक कुत्ता हजरत शिबली के इस तरफ बैठा है और एक कुत्ता इस तरफ बैठा हुआ है। हजरत शिबली अलैहि रहमा ने जितने बेहतरीन पकवान थे, कुछ पकवान इस कुत्ते के सामने परोस दिए, कुछ पकवान इस कुत्ते के सामने परोस दिए। कुत्तों से कहते खाओ, वो कुत्ते खानों पे टूट पड़े, ये बैठे ये नहीं खा रहे। पीर मुर्शिद कहते हुजूर आप भी तो कुछ नोश फरमाइए, ये दावत तो खास आप ही के लिए। कहा हम भी खाते हैं। आस्तीन निकालते हैं, आस्तीन बड़ी होती थी उस जमाने में, जिस तरह के झुब्बे पहने जाते थे, उस पर रस्सी बंधी भी बांध लेते थे आप। रस्सी खोला आपने, आस्तीन में कुछ सूखी रोटियां थी, उसमें से एक रोटी का टुकड़ा निकालते हैं, पानी के प्याले में डुबाते हैं और उस रोटी को तनावुल फरमाते हैं और कुत्तों से कहते हैं खाओ। अब आलम यह है कि कुत्ते खाते हैं, फिर हाँपने लगते हैं, थक जाते हैं, तो आप कहते अरे खाओ और खाओ, ये तुम्हारे लिए है, ये रोगनी घिसाएं तुम्हारे लिए है, तरकीब दिला दिला के खिला रहे हैं। और वो जो पीर साहब है जिन्होंने दावत की है, वो भी सूखी रोटी खा रहे हैं इनके साथ। उसके बाद आलम यह हुआ कि दावत खत्म हुई, हजरत ने एक सूखी रोटी का टुकड़ा तनावुल फरमाया, उसके बाद आप उठे, मुसाफा हुआ, तशरीफ ले गए। अब दोनों मुरीद तो बड़े बेचैन थे ये सब देखकर हालात के, ये अजीब दावत अजीब आलम। तो पीर साहब से कहते हुजूर कुछ भी समझ में ना आया हमारे, इस चीज से आप पर्दा उठाइए, इस राज को अफशा कीजिए, आखिर ये मामला क्या है, ये कुत्ते कौन हैं। हजरत फरमाते हैं मियां तुम उस मकाम पे नहीं पहुंचे कि सूफिया और बुजुर्गों के तुम बातिन और उसको देखो, शिवली मकाम विलायत के उस आला मकाम पर है कि उसने अपने नफ्से अम्मारा जो मिस्ल कुत्ता है अपने में से निकाल के कुत्तों की शक्ल में ढाल दिया है। रोगनी चीजें नफ्स के लिए है और उसके जात के लिए सिर्फ रोटी का सूखा टुकड़ा है। ये शिवली का मकाम था सरकार गौसपाक के पीर मुर्शिद का, नफ्से अम्मारा को मिस्ल कुत्ते के उन्होंने जाहिर फरमा दिया सामने। और वो कुत्तों जो है वो नफ्स, ये जो ख्वाहिशात है, ये जो ऐशो आराम की तलब है, ये नफ्से अम्मारा की शरारतें हैं। और बुजुर्गान दीन वो होते हैं जो इस पर काबू पा लेते हैं, ताजुल औलिया ने उसी पे काबू पाया और उसी की तरकीब दिलाते रहे, फरमाते कि कुत्ता मार के लाओ जी, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। जब नफ्से अम्मारा को ही मार डालेंगे, कोई ख्वाहिशात ना होंगी, और जब नफसानी ख्वाहिशात ना होंगी, यही मकाम विलायत की इब्तिदा होती है। सरकार ताजुल औलिया के बहुत सारे बातें इतने से छोटे से वक्त में बयान नहीं की जा सकती। बस आखिरी में एक बात यहाँ पर इख्तिताम कर रहा हूँ, वक्त हो रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो खुद ताजदार विलायत है नागपुर, जब तशरीफ लाए हाजिर तो बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए, और इसके रावी मुतअद्दिद उलमा है जिसमें हुजूर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब खुद, उनसे मैंने खुद ये बात सुनी। तो किसी ने जब ज़ियारत ताजुल औलिया से आप फारिग होकर बाहर तशरीफ लाए विसाल के बाद, किसी ने सवाल किया कि हुजूर ताजुल औलिया की विलायत के ताल्लुक से, मकाम विलायत के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप क्या फरमाते हैं। तो सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं मियां तुम ताजुल औलिया की मकाम विलायत के बारे में सवाल करते हो, ताजुल औलिया वली ही नहीं है बल्कि वली गर है। ये सिर्फ वली नहीं है बल्कि ये
वली बनाने वली घर कहते हैं बनाने वाले को, ये खुद वली नहीं है, हजारों को वली बनाने वाले, वली तो है ही है, ऐसे वली है कि ये वली घर है, वली बनाने वाले हैं। इसीलिए आप खुद फरमाया करते थे ताजुल औलिया, हाओ जी आज तक किसी वली ने पांच पैसे नहीं बनाए, ताजुद्दीन पांच पैसे बनाएगा। कभी फरमाते ताजुद्दीन सवा लाख वली बनाएगा, कभी आपके जुमले होते फला अपने वक्त का, फला अपने जमाने का, फला अपने दौर का, ताजुद्दीन अपने जमाने का, ताजुद्दीन अपने दौर का, ताजुद्दीन अपने वक्त का। कभी आपके जुमले होते आलम जज्ब के अंदर, मुख्तलिफ जुमले सरकार के जज्ब की आलम में होते, कभी फरमाते हो जी बाबू जिसको ताजुद्दीन ने दे दिया उससे कोई छीन ना सका, और जिससे छीन लिया उसको कोई दे ना सका। ताजुल औलिया का जिसको फैज मिल जाए, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत उसका फैज नहीं छीन सकती उनका, और जिससे वो रूठ जाए कोई ताकत उनको मनवा नहीं सकती। अल्लाह ताला फ्यूज़े ताजुल औलिया से हम सबको मुस्तफिज कर फरमाता रहे। जो कुछ ये बयान हुआ बड़ा कलील था, इंशाल्लाह इतवार के दिन खुद बारगाह ताजुल औलिया में फकीर का बयान है मेरा, वहां पर क्या नाम है मस्जिद का, एक मीनारा मस्जिद के बाद जो ग्राउंड है वहां पर खिताब है इंशाल्लाह, और हुजूर मन्नानी मियाँ के साहबजादे तशरीफ ला रहे हैं, उनकी सदारत रहेंगी इंशाल्लाह, और मेरा फकीर का बयान रहेगा। वहां आप लोग तशरीफ लाएं ताकि ताजुल औलिया की बारगाह में ज़ियारत भी हो जाए, और उनकी बारगाह में जब हम खराज अकीदत उन्हीं की क़ुर्ब खास में बयान करेंगे तो उसका लुत्फ कुछ और होगा। वहाँ फिर मैं कुछ और नई चीज़ें जो यहाँ नहीं बयान कर पाया वहाँ मैं आपसे इंशाल्लाह आपके रूबरू पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात इस दो रोज़ा मजलिस को हमारी कबूल फरमाए। व मालिक ने أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن لك قد خلقت كما تشاء.